अगर हम बात करें रिजल्ट सेट में हमें कमी महसूस हुई थी, पर क्या कमी महसूस हुई थी या हम तब तक महसूस नहीं कर सकते जब तक आप हमें महसूस न कर रहे हैं। कमी तो थी, क्या कमी थी बता सकता है रिजल्ट सेट के अंदर क्या कमी थी? सर रिजल्ट सेट की यही कमी थी और वो ये थी कि उसमें कोई कमी नहीं थी, डेटा तो आ रहा करता था, एक कमी थी। बता सकते हो क्या कमी थी? बताओ सर वो क्या कमी थी? बताओ। हाँ जी, बल्क में डेटा नहीं आ रहा, बल्क में डेटा आना भी नहीं चाहिए, बल्क में डेटा आना भी नहीं चाहिए। पूछो कैसे? मान लीजिए अगर मान लो मैं एयरटेल का कस्टमर हूँ और मुझे आपका बिल जनरेट करना है, तो मेरा जो बिल जनरेट होगा वो कैसे होगा? मेरे मोबाइल नंबर के हिसाब से, ठीक है। तो सिलेक्ट करिए आप कैसे लिखेंगे, सिलेक्ट, ठीक है, सिलेक्ट मेरे बिल की इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द टेबल वेयर मोबाइल नंबर इक्वल्स टू मेरा मोबाइल। तो डेटा तो एक ही आना चाहिए ना, टेक्निकली यूनिक डेटा तो होना चाहिए। स्टेटमेंट आ रहा है उस स्टेटमेंट पे निकलने वाला रिजल्ट सेट बाई डायरेक्शनल होगा,
फिर से देखो, मुझे कनेक्शन को ये बताना पड़ेगा, कनेक्शन के मेथड में ये बताना पड़ेगा कि मेरा जो रिजल्ट सेट है जो कि इस स्टेटमेंट पे आ रहा है वो बाई डायरेक्शनल होगा। तो सर बाई डायरेक्शनल अगर हमारा हो गया तो हम कौन कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं? तो अगर आपने अपने रिजल्ट सेट को बाई डायरेक्शनल कर दिया ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, तो आप ये वाले मेथड एक्सेस कर सकते हो। तो आप ये वाले मेथड रिजल्ट सेट के एक्सेस कर सकते हो, ठीक है? तो चलो उसके बारे में थोड़ा सा लिख लो, फिर मैं आपको समझा दूं। देखो देखो बाय डिफॉल्ट सर बाय डायरेक्शन का प्रोसेस है, नेक्स्ट नेक्स्ट पर भी और नेक्स्ट भी मिस किया तक ही मिलेगा सर। देखो ये बात समझ में आ रही है? बस अगर मोड टू भी काम नहीं करेगा ना आपके पास अभी 8000 रुपया ट्राई किया था तो चलो लिखो बाय डिफॉल्ट द कर्सर ऑफ रिजल्ट सेट इज बाय डिफॉल्ट द कर्सर ऑफ रिजल्ट सेट इज यूनिडायरेक्शनल By default, the cursor of result set is unidirectional. Unidirectional, ठीक है? आगे लिखना bracket डाल के forward only, forward only, forward only. So by default, the cursor of result set is unidirectional, forward only. It works from, top to bottom. It works from top to bottom. It works from top to bottom. So bi-directional मतलब by default हमारा जो result set का cursor है वो कैसा होता है? Unidirectional होता है, forward only होता है, top to bottom काम करता है, ठीक है? Also we cannot customize. Customize मतलब अपने हिसाब से, ठीक है? Also we cannot customize the position of cursor. After making the result set bidirectional, we can invoke following method of result set. Following method of result set. जरा देखो बच्चों कितना जबरदस्त है ये। Before first. और इन सबका बाप, देखो बच्चे, तो अगर आपके पास बाई डायरेक्शनल रिजल्ट सेट है तो आप ये मेथड यूज कर सकते हो। सर एक बार बताओ, अगर मान लीजिए मेरा जो रिजल्ट सेट है वो बाई डायरेक्शनल नहीं है और मैं ये मेथड चलाऊं तो एसक्यूएल एक्सेप्शन आ जाएगी। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास जो रिजल्ट सेट है अगर वो बाई डायरेक्शनल है तो आप ये मेथड एक्सेस कर सकते हो। मेथड का नाम क्या है? एब्सोल्यूट। मेथड का नाम है आफ्टर लास्ट, बिफोर फर्स्ट, प्रीवियस। समझाता हूं आपको, अगर आप ध्यान से देखो तो आपने एब्सोल्यूट मेथड के अंदर क्या दिया हुआ है? इधर देखो बच्चे, आपने एब्सोल्यूट मेथड के अंदर क्या दिया हुआ है? रिकॉर्ड नंबर। आपको अपना कर्सर कौन से रिकॉर्ड पे लेके जाना है? सर मुझे तो अपना कर्सर पहले रिकॉर्ड पे लेके जाना है। बाई डिफॉल्ट तो पहले रिकॉर्ड पे होता ही है। सच है झूठ है? रॉन्ग है। बाई डिफॉल्ट वो पहले रिकॉर्ड पे नहीं होता, बाई डिफॉल्ट वो पहले रिकॉर्ड के ऊपर होता है। आया ना? बाई डिफॉल्ट हमारे कर्सर होता है वो यहाँ होता है, यहाँ नहीं होता, ठीक है? मैंने कहा एब्सोल्यूट वन, वो यहाँ आ गया। एब्सोल्यूट टू, एब्सोल्यूट थ्री, एब्सोल्यूट फोर। अरे सर इसका मतलब ये है अगर हमने एब्सोल्यूट मेथड चला दिया तो जिस रिकॉर्ड पे हमने कर्सर भेजा है वो तो हमें दिखाई देगा नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने, आपने कहा एब्सोल्यूट वन, वन दिखाई नहीं देगा। एब्सोल्यूट टू, टू दिखाई नहीं देगा, क्योंकि कर्सर जो है रिकॉर्ड के ऊपर होना चाहिए, तभी तो डेटा फेच होता है। अगर आपने अपने कर्सर को यहाँ रखा है, आपने कहा नेक्स्ट, तो आपका रिकॉर्ड नंबर वन आएगा। आपने कहा एब्सोल्यूट वन, यहाँ आ गया। आपने कहा नेक्स्ट, ऐसे आएगा। तो इसका मतलब ये, अगर आपने इस मेथड को चला रखा है तो आप इस मेथड का इस्तेमाल करके अपने कर्सर को कहीं भी ले जा सकते हो। अच्छा, कर्सर को लास्ट में लेके जाओ। सर मेरे पास एक टेबल है और उस टेबल के अंदर 1,00,000 कॉलम, 1,00,000 रिकॉर्ड्स हैं। ये सब एक काम करो, मैं आपको टेबल का नाम बता रहा हूँ, आप उस टेबल का लास्ट रिकॉर्ड दिखाओ, कर्सर लेके जाओ, बताओ कौन सा रिकॉर्ड नंबर है वो। क्या पता भाई, मान लो मेरे पास एक टेबल है, उस टेबल के अंदर हजारों लाखों करोड़ों रिकॉर्ड्स हैं और मुझे अपने कर्सर को लास्ट में लेके जाना है, कैसे लेके जाऊं? इसमें तो रिकॉर्ड नंबर पता होना चाहिए ना, रिकॉर्ड नंबर पता होना चाहिए। तो बच्चों अगर आपको अपने कर्सर को लास्ट रिकॉर्ड पे लेके जाना है, -1 तो क्यों बना है ऐसे, ठीक है? ये देखो एब्सोल्यूट वन, एब्सोल्यूट -1। तो सर इसका मतलब ये है, एब्सोल्यूट -2 का मतलब क्या है? ये
ये है लास्ट और ये है सेकेंड लास्ट, बिल्कुल सही कहा आपने सेकेंड लास्ट। तो सर एक बात बताओ, अगर किसी ने जीरो दे दिया तो फ्रंट एंड बस एक बात का ध्यान रखना, आपने जहां पर रिकॉर्ड पहुंचाया है ना वो रिकॉर्ड आप शो नहीं कर सकते किसी भी हालत में, क्योंकि कर्सर जो है उस रिकॉर्ड के ठीक सामने है और जब तक कर्सर ऊपर नहीं होगा या नीचे नहीं होगा आप डेटा रिट्रीव नहीं कर सकते। चलो अब सर देखो आफ्टर लास्ट, इधर देखो बच्चों कर्सर यहाँ पे है, मैंने कहा बिफोर फर्स्ट, ठीक है। लास्ट का मतलब क्या है, लास्ट रिकॉर्ड के नीचे, फर्स्ट का बिफोर फर्स्ट का मतलब क्या है, फर्स्ट रिकॉर्ड के ऊपर ऊपर। आप यहां पे काम कर रहे हो, आपने कहा बिफोर फर्स्ट आफ्टर लास्ट एब्सोल्यूट टू, वर्ड्स पे ध्यान दो, बिफोर फर्स्ट आफ्टर लास्ट एब्सोल्यूट टू एब्सोल्यूट वन माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री एब्सोल्यूट टू ठीक सामने, ठीक है सामने ना ठीक सामने ठीक है। प्रीवियस ये नेक्स्ट मेथड का उल्टा है, ठीक है। नेक्स्ट मेथड ऐसे काम करता है, प्रीवियस ऐसे काम करता है, बस। इसका मतलब ये है बच्चों, आपने कहा नेक्स्ट ट्रू, ये क्या है रिकॉर्ड के बाद, ठीक है। आपने कहा ट्रू 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 अब फॉल्स, अब तक आप प्रीवियस देखो, प्रीवियस प्रीवियस का मतलब ये है अगर कर्सर के ऊपर कोई रिकॉर्ड है तो ट्रू वरना फॉल्स। आपने कहा प्रीवियस 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 प्रीवियस, ये क्या है फॉल्स ही। इसका मतलब सही है, अगर मान लो हम यहाँ पे कर्सर है, हम अपने कर्सर को नीचे ले आए, अगर हम कहें नेक्स्ट तो फॉल्स, हम अपने कर्सर को सबसे ऊपर ले गए, हमने कहा अब सोचो कर्सर हमारा यहाँ था, हमने कहा नेक्स्ट 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 बिफोर फर्स्ट प्रीवियस फॉल्स प्रीवियस फॉल्स प्रीवियस फॉल्स। अगर देखो आपने कहा प्रीवियस 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 आफ्टर लास्ट नेक्स्ट फॉल्स। दोनों में ही रिट्रीव होता है बच्चे। अगर आपको देखो ये मेरे पास पॉइंटर है, अगर आपको पॉइंटर के नीचे का डेटा चाहिए पॉइंटर के नीचे का डेटा नेक्स्ट, अगर आपको पॉइंटर के ऊपर का डेटा चाहिए तो प्रीवियस। देखो यहाँ पे देखो नेक्स्ट देखा किया ट्रू, ठीक है। यहाँ पे आ गए हमने कहा प्रीवियस ट्रू, यहाँ पे आ गए मैंने कहा प्रीवियस फॉल्स प्रीवियस फॉल्स प्रीवियस। आफ्टर लास्ट का क्या यूज क्या होगा, देखते हैं। मान लीजिए आपने डेटा को उठाया, ठीक है, किसी बंदे ने, मतलब बस यूज क्या मतलब क्या है कर्सर को इधर उधर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपने पहले प्रीवियस करा, आपने कहा आफ्टर लास्ट, आप डेटा ऐसे दिखाना नहीं चाह रहे हो, आप डेटा ऐसे दिखाना चाह रहे हो। कोई मुझसे कहता है सबसे लास्ट रिकॉर्ड पहले दिखाओ, बात हो रही है, ठीक है, उल्टे ऑर्डर में दिखाओ, तो ठीक है। आपने रिजल्ट सेट निकाला, आपने कहा आफ्टर लास्ट प्रीवियस 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 प्रीवियस, मतलब एक कस्टमाइजेशन है। लेकिन बच्चों इन सारे मेथड को चलाने के लिए आपका जो रिजल्ट सेट है वो बाई डायरेक्शन होना चाहिए, और बाई डायरेक्शन रिजल्ट सेट को बनाना बहुत टेढ़ी क्यों है। हमें अपने क्रिएट स्टेटमेंट मेथड के अंदर दो आर्गुमेंट पास करेंगे और दोनों इन टाइप के, दोनों इन टाइप के, पर वो जो आर्गुमेंट आप पास करोगे ना वो उनके वेरिएबल के नाम से पास करोगे, वेरिएबल के नाम से पास करोगे। तो चलो हाउ टू गेट बाई डायरेक्शनल रिजल्ट सेट, हाउ टू गेट बाई डायरेक्शनल रिजल्ट सेट, हाउ टू गेट बाई डायरेक्शनल रिजल्ट सेट। देखो बाई डायरेक्शनल रिजल्ट सेट को प्राप्त करने के लिए प्राप्त की स्पेलिंग है पी आर ए पी टी। देखो बाई डायरेक्शनल रिजल्ट सेट को प्राप्त करने के लिए या गेट करने के लिए, बाई डायरेक्शनल रिजल्ट सेट को प्राप्त करने के लिए हमें स्टेटमेंट को बताना पड़ेगा, को बताना की स्पेलिंग बी ए टी एन है, ठीक है, कि हमें रिजल्ट सेट बाई डायरेक्शनल चाहिए, कि हमें रिजल्ट सेट बाई डायरेक्शनल चाहिए। देखो कहानी समझो, रुक जाओ पहले, जैसे मान लो इधर देखो, मान लो मुझे पानी पूरी खानी है गोल गप्पा है, तो मुझे ठीक है, तो गोल गप्पे को स्पाइसी बनाने के लिए मुझे गोल गप्पे वाले से कहना पड़ेगा ना कि जो गोल गप्पा तेरे पास आएगा उसमें ये चटनी डाल देना, बात हो रही है नहीं। बाई डायरेक्शनल रिजल्ट सेट को प्राप्त करने के लिए हमें स्टेटमेंट को बताना पड़ेगा, और हम कैसे बताएंगे, देखो बच्चों आप स्टेटमेंट कैसे निकालते हो, आप लिखते हो स्टेटमेंट
याद रखना स्टेटमेंट एस इक्वल टू कनेक्शन का ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट स्टेटमेंट हाँ है ना ठीक है। और ये आप खाली पेट चलाते हो, खाली पेट मतलब ऐसे चलाते हो आप खाली पेट, ये देखो कहां कुछ पास किया खाली पेट चलाते हो ओके। अगर आप सुनो लेकिन अगर आपको बाई डायरेक्शनल डायरेक्शन चाहिए तो आपको उसके अंदर दो चीजें पास करनी पड़ेगी। पहले आप लिखोगे रिजल्ट सेट डॉट टाइप अंडरस्कोर टाइप स्क्रॉल सेंसिटिव, वो को लिखूंगा मैं भी आप अच्छो मत देखो क्योंकि स्पेलिंग गलत होगी मेरी ठीक है। टाइप स्क्रॉल सेंसिटिव और उसके बाद आप लिखोगे रिजल्ट सेट डॉट कॉन्कर अपडेटेबल। फिर से देखो आप इसके अंदर क्या लिखोगे ठीक है क्रिएट स्टेटमेंट इसके अंदर दो आर्गुमेंट पास करोगे रिजल्ट सेट डॉट टाइप अंडरस्कोर अंडरस्कोर स्क्रॉल अंडरस्कोर सेंसिटिव कैपिटल में और उसके बाद रिजल्ट सेट डॉट कॉन्कर अपडेटेबल कॉन्कर अपडेटेबल इसकी स्पेलिंग हमारे ठीक है। आप जब इसका स्टेटमेंट निकालोगे फिर इस स्टेटमेंट पे निकलने वाला जो रिजल्ट सेट होगा वो बाय डायरेक्शन और वो तो आपको पता है आप लोग कैसे लिखते हो रिजल्ट सेट आर एस इक्वल टू स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट डॉट एक्सिक्यूट क्वेरी ठीक है तो देखें और फिर हम आपको बढ़िया बड़ी चीज बताएं। तो फिलहाल एक प्रोग्राम बनाते हैं ठीक है तो लिखो स्क्रिप्ट यार पर उसके लिए मेरे पास एक टेबल होनी चाहिए। मैं देखता हूँ मेरे पास कोई टेबल पड़ी है नहीं पड़ी है गूगल सीओ में जाओ और देखो कोई टेबल पड़ी हो जिसको हम ऐसे और ऐसे दिखा सकें तो हाँ बुक्स बने वो शायद हट गया अरे हाँ हाइपरनेट में बनाई थी बनाई थी लेकिन शायद वो चेंज हो गई है वो कल चेंज हो गई मेरे ख्याल से वो मैंने ड्रॉप कर दिया शायद लोकिन ये लोकल होते ना मेरी मशीन पे चल रहा है इसके लिए नेट की जरूरत नहीं है। नेट बहुत अच्छी बात है नहीं हो तो और अच्छी बात है। हाँ जी टेबल का नाम क्या था टेबल का नाम था बुक्स और देखो ये बुक्स नाम की टेबल है जिसके अंदर चार डेटा मेंबर है बच्चों देख लो भाई पीछे वालों जिसके अंदर चार डेटा टाइप है चार डेटा मेंबर है। एक डेटा मेंबर का नाम है बुक आईडी जिसका डेटा टाइप है नंबर ठीक है। दूसरा है बुक का टॉपिक जिसका डेटा टाइप है वैर कैट टू। तीसरा है बुक का राइटर वैर कैट टू और बुक की कॉस्ट नंबर। अब देखते हैं इसमें कोई डेटा पड़ा हुआ है नहीं इसमें चार डेटा पड़ा हुआ है 1 2 3 4 कोई किताब है सी प्लस प्लस लिखी है राजू ने सी लिखी है कमल ने पी एच पी अभिसार ने और मांबा मुनीश ने लिखी है। किताबों की कॉस्ट है 13 रुपए 28 रुपए वो लेना नहीं किताबों तो आप जाए देखते हैं इसको कैसे होगा ठीक है। ये देखो भाई अब एक काम करते हैं इसके अलावा जितने भी प्रोग्राम पड़े हैं उसको हटा दो नो 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 चलो अब एक प्रोग्राम बनाते हैं एक प्रोग्राम बनाते हैं कैसे बनाओगे भाई ठीक है। तो सबसे पहले तो एक फोल्डर बनाते हैं फोल्डर तो आज तारीख क्या है आज अप्रैल की 11 तारीख है तो एक काम करो इसको डिलीट मार दो ओके एक नया फोल्डर बनाते हैं इसको डिलीट मार दो नया फोल्डर बनाते हैं न्यू फोल्डर अप्रैल की 11 तारीख ओके इसमें सेव करते हैं मैंने आप लोगों से कहा था मैं आपको नेट पर सिखाऊंगा तो आज दिखाते हैं ठीक है। फिलहाल इसको लिख लेते हैं तो टेस्ट DB10 इसको सेव करो कंट्रोल वी कहाँ पे जाना है इसको लेके कंप्यूटर डी ड्राइव अप्रैल 11 टेस्ट DB10 डॉट जावा ओके। क्या काम करना बच्चों चाहे सबसे पहले तो ड्राइवर लोड कर लीजिए हम उसके लिए स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल डाल दूंगा तो पागल हूं मैं सीधे सीधे लिख देता हूँ ठीक है जल्दी हो जाएगा। तो क्लास डॉट फॉर नेम ठीक है क्या है भैया Oracle.jdbc.oracle driver यानी ये सब क्लास का नाम हो रहा है समझे भाई ये सब क्लास का नाम है। ओ पंखा बंद कर दो भाई एसी चल गया पीछे वालों ठीक है बंद करो यार ऑल इज ऑफ थैंक यू भाई वो देखो एसी इज वॉकिंग सर अभी हमें चला है हाँ चलेगी तो पंखा तो चल रहा है जब तक नहीं रहने दो तब तक चल रहा है ना एक बार एक खोलो कौन सा पावर ही है कौन सा पावर ही है कौन सा देता रहेगा हर दो मिनट में चलो आ जाओ सर। हाँ जी अगला कहते हैं कनेक्शन का ऑब्जेक्ट
तो कनेक्शन 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 सी ओ डबल एन क्यों लिया ऐसे मैंने, मैं तो हमेशा सी लेता था, मैंने देख रखा था कोई नहीं क्या इक्वल्स टू इक्वल्स टू बोलो बच्चों क्या लिखना है, ड्राइवर मैनेजर, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, गेट कनेक्शन क्या पास करना है इसके अंदर, सबसे पहले यू आर एल, सबसे ज्यादा दिक्कत होती है मुझे यू आर एल लिखने में, जे डी डी सी कोलन ओरेकल कोलन संजीव इन कोलन एट द रेट लोकल होस्ट उसके बाद कोलन 1500 ओके यूजर नेम बताओ बच्चों इसका सिस्टम और पासवर्ड पासवर्ड सिस्टम सिस्टम अब क्या निकालना है मेरे को, अब मेरे को स्टेटमेंट निकालना है, इधर देखो बच्चों अभी हम जो अच्छा हाँ अगर आपने भूखा महसूस किया था अच्छा हम यहाँ बैठे थे हम यहाँ बाहर थे तीन चार बच्चे पीछे बैठे थे तो उसमें एक बच्चा दूसरे बच्चे का पैर देख रहा है वो पास जुड़ा हुआ है स्टेटमेंट स्टेटमेंट आदि इक्वल्स टू देखो बच्चों कनेक्शन का ऑब्जेक्ट डॉट डॉट क्रिएट स्टेटमेंट क्रिएट स्टेटमेंट 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 ठीक है क्या ये बाई डायरेक्शनल रिजल्ट सेट को प्राप्त कर सकता है तो बच्चों क्या हम इस स्टेटमेंट पे बाई डायरेक्शनल रिजल्ट सेट प्राप्त करते हैं नहीं कर सकते इसमें यूनिडायरेक्शनल आएगा फिलहाल चलो चले दो हाँ बच्चों अब क्या निकालना है मुझे रिजल्ट सेट तो रिजल्ट सेट रिजल्ट मैं खुद लिख दो यार रिजल्ट सेट ठीक है आज तो मैं बिल्कुल जबरदस्त रिजल्ट सेट क्या हो गया मुझे आज बहुत अच्छा लग रिजल्ट सेट रिजल्ट सेट इक्वल्स टू स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट अच्छा भी लग रहा है वैसे डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी एग्जीक्यूट क्वेरी हाँ जी क्या लिखोगे बच्चों इसके अंदर आप लिखोगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम बुक्स इससे जो मेरा रिजल्ट सेट आया होगा बच्चों को कैसा आया होगा यूनिडायरेक्शन इसका मतलब ये है इस रिजल्ट सेट के ऑब्जेक्ट के ऊपर हम प्रीवियस मेथड नहीं चला सकते एब्सोल्यूट नहीं चला सकते आफ्टर लास्ट नहीं चला सकते बिफोर पास नहीं चला सकते और चला दिया तो चला के देखो एक बार हमें आपकी बात पे यकीन नहीं है तो चलाओ रिजल्ट सेट डॉट प्रीवियस रिजल्ट सेट डॉट प्रीवियस उसके बाद कनेक्शन को क्लोज कर दो कनेक्शन को क्लोज कर दो आओ देखते हैं प्रोग्राम का क्या हासिल होता है शायद प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा खुदा के समझ नहीं होगा क्योंकि आपने वो जेडीबीसी 14.0 जाकर क्लास पास तो सेट ही नहीं किया अबे यार चलो देखते हैं प्रोग्राम कंपाइल तो करके देखो पहले तो अच्छा यहाँ पर राइट क्लिक करना है मिल नहीं रहा है तुम्हें चलो जावा सी टेस्ट डीबी कंपाइल तो हो गया रन नहीं होगा जावा टेस्ट डीबी क्योंकि आपने क्लास पास तो सेट ही नहीं किया चलो क्लास पास सेट करते हैं तो सेट क्लास पास ठीक है इक्वल्स टू कहाँ पढ़ा है वो डी ड्राइव हाँ वो शपथ दे रहा है ना आजकल तो डी ड्राइव के अंदर ओ जेडीबीसी ठीक है सेमी कॉलन डॉट सेमी कॉलन मेरा कोड था प्रोग्राम को रन करो देखो जरा रन टाइम एरर देखो बच्चों एसक्यूएल एक्सेप्शन आई है किस वजह से इनवैलिड ऑपरेशन फॉर फॉरवर्ड ओनली रिजल्ट सेट ऐसे नहीं पहले स्टेटमेंट को बताओ कि उसमें मिलने वाला जो रिजल्ट सेट है वो बाई डायरेक्शनल है तो आप कैसे लिखोगे आपको यहाँ पे दो आर्गुमेंट पास करने हैं देखो भाई देखो वो दो आर्गुमेंट कौन से होंगे यहाँ पे देखना भाई पहला जो होगा वो होगा रिजल्ट सेट डॉट डॉट टाइप अंडरस्कोर स्क्रॉल अंडरस्कोर सेंसिटिव ठीक है पूरा कैपिटल ये कॉन्स्टेंट है ना ये कॉन्स्टेंट है कॉन्स्टेंट मतलब कैसा है ये स्टैटिक फाइनल टाइप का वेरिएबल है स्टैटिक फाइनल टाइप का वेरिएबल है वेरिएबल है दूसरा क्या लिखोगे आप रिजल्ट सेट डॉट कॉन्कर अपडेटेबल कॉन्कर कॉन्कर अपडेटेबल अपडेटेबल इस बात की कोई गारंटी नहीं है फिलिंग ठीक हो इतफाक से ठीक अगर मैं रन करता हूं क्या बात है सही है बात कहां नहीं है लेकिन सर आपको कैसे पता वेरिएबल के नाम यही है क्योंकि मैंने रिजल्ट सेट पर चेक किया था देखो पहले चेक करो रुक जाओ बच्चों पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि रिजल्ट सेट में इस तरह के वेरिएबल अवेलेबल हैं तो जावा पी जावा पी डॉट एसक्यूएल डॉट रिजल्ट सेट और मैंने इसका डेटा किसी टेक्स्ट फाइल में डाल दिया अब मैं आपको टेक्स्ट फाइल को खोल के दिखाता हूँ देखो यहाँ से उठाया था देखो एक जो पहला वेरिएबल है वो ये है जो सेकेंड वाला था इस टाइप का वेरिएबल है ये स्टैटिक और फाइनल टाइप का वेरिएबल है इन टाइप का वेरिएबल है कांस्टेंट है और दूसरा क्या उठाया था मैंने कॉन्स्ट्रॉल सेंसिटिव
स्क्रॉल सेंसिटिव, तो देखो टाइप स्क्रॉल सेंसिटिव किस टाइप का वेरिएबल है, स्टैटिक है, फाइनल है, इंट है, मतलब एक ही बात है, ये देखो स्टैटिक फाइनल इंट टाइप का है, टाइप स्क्रॉल सेंसिटिव, तो आप चाहो तो यहां से कॉपी पेस्ट कर सकते हो, रिजल्ट सेट डॉट टाइप स्क्रॉल सेंसिटिव या कॉमा लगा के रिजल्ट सेट डॉट कॉन्कर अपडेटेबल। मैं इसकी स्पेलिंग बहुत अक्सर गड़बड़ कर देता हूं, से मुझे लगता है कॉन्कर में डबल आ रहा है, और अपडेटेबल में ना क्या करता हूं अक्सर, अपडेटेबल में यहां पे मैं ई लगा देता हूं, अपडेट हो जाता है, लेकिन जब आप नेटवर्क पे काम करोगे अपना आप आ जाएगा, आप सिंपल लिखोगे रिजल्ट सेट डॉट। चलो फिर देखते हैं, तो आप देखते हैं बच्चों के ऐसा है, होता है नहीं होता है। अब मेरे पास दो रास्ते हैं, अब मैं आपको क्या दिखाऊंगा, मेरे पास एक रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट है, मैं आपको दिखाऊंगा ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर, दोनों ठीक है, देखो कैसे होता है मस्त। तो आप अगर आपको दिखाते हैं डेटा ट्रैवर्स करके टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, तो देखो अगर मान लो मुझे डेटा दिखाना हो टॉप टू बॉटम कैसे दिखाओगे, हम यहाँ दिखाते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट डेटा है, ठीक है डेटा, ठीक है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम कैसे दिखाओगे भैया, अरे आपको तो पता है रिजल्ट सेट का तो डेटा है, आपको आइट्रेट कर दो, ठीक है आपने हमेशा रिजल्ट सेट कैसे आइट्रेट किया है, वाई लूप लगा के, आप चाहो तो फॉर का लूप भी लगा सकते हो, पर फॉर का लूप थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा अगर देखा जाए तो, क्योंकि फॉर के रूप में आप पहले क्या लिखोगे, तो इसलिए वाइल के रूप ज्यादा प्रेफर किया जाता है इसके लिए, तो हमने लिखा यहाँ पे वाइल, ठीक है जब तक हमारा रिजल्ट सेट का नेक्स्ट मेथड, देखो बच्चों जब तक हमारा ये नेक्स्ट मेथड ट्रू देता रहे, जब तक ये हमारा नेक्स्ट मेथड ट्रू देता रहे, मुझे डेटा उठाना है, ये बताओ कितना डेटा उठाना है, कौन कौन सा डेटा उठाना है, कौन कौन सा डेटा उठाना है, एक काम ना करो सारा डेटा मत उठाओ, सारा डेटा मत उठाओ, वहां पे हमारे पास बुक का क्या है, एक तो बुक की आईडी है, एक बुक आईडी है, बुक का टॉपिक है, बुक का ऑथर है, बुक का कॉस्ट है, क्यों ना एक काम करें बुक का टॉपिक उठा लेते हैं और ऑथर उठा लेते हैं बस। अभी हम लोग कैसे लिखते थे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, और आप क्या लिखेंगे सिलेक्ट बुक टॉपिक कॉमा बुक राइटर फ्रॉम टेबल का नाम, सिर्फ मुझे दो कॉलम चाहिए, सिर्फ दो कॉलम चाहिए, तो कैटेगरी वन कैटेगरी टू, ठीक है दो कॉलम उठा लेते हैं, तो कैसे उठाओगे, तो आपको अपनी क्वेरी चेंज करनी पड़ेगी, सिलेक्ट ठीक है बुक का टॉपिक टॉपिक कॉमा बुक का राइटर राइटर है या ऑथर चेक करो, आगे बुक का एक टॉपिक है और बुक का राइटर है, सिर्फ मुझे जो दो चीजें उठानी है, तो आप उठा के देखते हैं इसमें, तो मैंने क्या काम किया क्वेरी लिखी सिलेक्ट, मुझे सिर्फ वो डेटा चाहिए जो इसके साथ एसोसिएटेड हो और इसके साथ एसोसिएटेड, कहां से किस टेबल के अंदर से, यानी मेरे पास हाँ जी राइटर है, हाँ जी अब कहानी समझो मेरे पास दो कॉलम आएंगे बच्चों, ये वाली जो डेटा है ये डेटा आएगा कैटेस्टिंग वन के पास और ये वाला डेटा आएगा कैटेस्टिंग टू के पास, आओ जरा डेटा दिखा दो आपको, तो सबसे पहले एक काम करो स्ट्रिंग ले लो टी फॉर टॉपिक इक्वल्स टू रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट डॉट कैटेस्टिंग, ठीक है पहले कॉलम का डेटा उठा के टी के अंदर डाल दिया, ओके कॉपी कर लो, अगले कॉलम का डेटा उठा के मैंने डब्लू के अंदर डाल दिया यानी कॉलम नंबर टू, और फिर उस डेटा को मैंने शो कर दिया, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट रिटर्न, ठीक है कैसे प्रिंट करोगे टॉपिक, ठीक है टॉपिक इक्वल्स टू टॉपिक टॉपिक इक्वल्स टू टॉपिक टी फॉर टॉपिक ना, ठीक है और अगला कॉमा ऑथर इक्वल्स टू वेरिएबल का नाम बताओ डब्लू, राइटर मतलब राइटर है ऑथर जी राइटर कर लेता है, तो राइटर इक्वल्स टू डी, तो देखो बच्चों ये जो हमारा आएगा ये तो आएगा टॉप टू बॉटम, ठीक है जब आपने ये किया होगा मेरे पास चार रिकॉर्ड थे मान लो ये रिकॉर्ड थे, तो हमने कहा नेक्स्ट यहाँ आ गया नेक्स्ट यहाँ आ गया नेक्स्ट यहाँ आ गया नेक्स्ट यहाँ आ गया यानी सबसे नीचे आ गया, अब जरा सोचो अगर मैं यहाँ से प्रीवियस चलाना शुरू कर दूं तो प्रीवियस तो जहां नेक्स्ट लिखा वहां प्रीवियस कर दो बस खत्म, कॉपी पेस्ट इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लो, इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट करो, थोड़ा सा डेटा चेंज कर दो, डेटा फ्रॉम टॉप टू बॉटम का डेटा फ्रॉम बॉटम टू टॉप और जहां पे आपने नेक्स्ट वाला रखा है वहां पे प्रीवियस अब आपको दिखाते हैं नीचे कनेक्शन मैंने क्लोज किया है नहीं, हाँ कनेक्शन क्लोज किया है, अब देखो बच्चों आपको बहुत मजा आया ना, महा मजा आया और देखते हैं प्रोग्राम कंपाइल करो, प्रोग्राम कंपाइल हुआ इसकी के साथ हो गई, तो इसको फिर हमने झटाल बोलने की कोशिश की, तो टॉपिक था C++ C PHP मांबा PHP C++ राजू कमल अभिसार मुनीश अभिसार कमल एंड
और जान रहे क्यों हो पा रहा है, ये सिर्फ इसलिए हो पा रहा है क्योंकि आपने ये स्टेटमेंट लिखेला है, आपने ये स्टेटमेंट लिखेला है। अगर आपने ये स्टेटमेंट नहीं लिखेला है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ये लिखेला है ठीक है, तो लाइन नंबर 18 पे रन टाइम एरर, लाइन नंबर 18 रन टाइम एरर नाम कंपाइल तो हो रहा है पर रन नहीं हो रहा, लाइन नंबर 18 क्योंकि वो बाई डायरेक्शन है, क्योंकि वो बाई डायरेक्शनल है ही नहीं। अब ये बाई डायरेक्शनल है, अब ये बाई डायरेक्शनल तो जबरदस्ती रही ठीक है, मतलब दोनों डायरेक्शन में आप कर सकते हो। लेकिन सर वो जो आप कह रहे थे आफ्टर लास्ट वाली बिफोर फर्स्ट वाली, वो तो आपने दिखाया है, वो तो आपने दिखाया है। तो जरा सोचो बच्चों, जरा एक बात बताओ यार, अगर मैं ऊपर वाले लूप से पहले, अगर मैं ऊपर वाले लूप से पहले अपने कर्सर को आफ्टर लास्ट कर दूं ठीक है, तो मेरा लूप चले गए। सोचो मेरा कर्सर यहाँ पे है, मैंने कहा आफ्टर लास्ट, फिर आप नेक्स्ट चला रहे हो, यानी ऊपर वाला लूप चले गए नहीं। तो जरा सोचो, हाँ क्लियर चल जाएगा। तो अगर बात सोचो, अगर मैं यहाँ पे आफ्टर लास्ट कर दूं, अगर मैं कहूँ रिजल्ट सेट को ले जाओ आफ्टर लास्ट, तो मेरा ऊपर वाला लूप चलेगा ही नहीं। ये देखो ऊपर वाला लूप चलेगा ही नहीं। प्रोग्राम कंपाइल करो, प्रोग्राम को रन करो, पहली बात। दूसरी बात देखो, दूसरी बात देखो, हमारा जो नेक्स्ट मेथड है वो हमारे कर्सर को कहां पे लेके चला गया, सबसे नीचे की तरफ ठीक है। जब वो सबसे नीचे की तरफ लेके आया तो मैंने कहा बिफोर फर्स्ट, तो प्रीवियस नहीं चलेगा है ना। तो अगर मैं यहाँ पे रिजल्ट सेट का प्रीवियस मेथड, सॉरी बिफोर फर्स्ट, अगर मैं बिफोर फर्स्ट मेथड को कॉल कर दूं, तो कर्सर पहुंच गया सबसे ऊपर। तो अगर कर्सर सबसे ऊपर पहुंच गया तो हमारा, ओह माय गॉड, ठीक ठीक। अगला देखो, अगला मेरे पास कौन सा था, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट। अब जरा ध्यान से देखना बच्चों, अगर मैं अपने कर्सर को रिकॉर्ड नंबर एक पे भेज दूं तो रिकॉर्ड नंबर एक डिस्प्ले नहीं होगा। कैसे, आपने कहा रिजल्ट सेट को भेजो एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट कहां पे, नंबर वन पे, इसका मतलब रिकॉर्ड नंबर वन आ जाएगा, रिकॉर्ड नंबर वन पे कर्सर है। तो जब आप नेक्स्ट करोगे तो कर्सर रिकॉर्ड नंबर टू पे जाएगा, यानी रिकॉर्ड नंबर वन दिखाई नहीं देगा, नेक्स्ट में प्रीवियस में दिखाई देगा। हाँ सर सही तो कह रहे थे आप, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है सर। आप कह रहे थे लास्ट में भी भेजा जा सकता है, हाँ, और जीरो का मतलब एरर है, हाँ जीरो का मतलब एरर है। ये देखो लाइन नंबर 10 पे एरर, एसक्यूएल एक्सेप्शन, ये जो वैल्यू है ये नेगेटिव हो सकती है, जीरो नहीं हो सकती, इनवैलिड आर्गुमेंट। सर आप कह रहे थे सबसे लास्ट में भेज के दिखाऊंगा, करके दिखाओ, और दिखाता हूँ आपको। देखो देखो बच्चों, सबसे पहले आप लोगों ने पूरा का पूरा डिस्प्ले किया, और डिस्प्ले करने के बाद आपने अपने कर्सर को, आपने अपने कर्सर को एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट सही लिखिए, एब्सोल्यूट हमने अपने कर्सर को भेज दिया सेकेंड लास्ट पे। तो देखो ये मेरा था ठीक है, आप लोगों ने कहा नेक्स्ट, सबसे नीचे आ गए, हमने अपने कर्सर को यहाँ भेज दिया, इसका मतलब ये वाला जो रिकॉर्डेड डिस्प्ले नहीं होगा प्रीवियस, क्योंकि आपका कर्सर जो है लास्ट से स्टार्ट होगा, सेकेंड लास्ट डिस्प्ले होगा लास्ट में। देखते हैं ऐसा है या नहीं, चलो चेक करके देखते हैं। आज कर्सर को आर टी किया और बड़े लिखे को आर सी किया, हाँ सर ठीक है सर। तो इसका मतलब मैं माइनस टू अगर करूँ यहाँ पे, अगर मैं माइनस टू करूँ तो ये सेकेंड लास्ट है। अब लास्ट की तो दो रिकॉर्ड्स हैं, वो दिखाई नहीं देंगे, लास्ट देखना हो तो आप माइनस टू करके नेक्स्ट करो, बिल्कुल सही कहा, माइनस टू करो नेक्स्ट करो, बिल्कुल सही कहा। अगर लास्ट रिकॉर्ड ही देखना है तो माइनस टू करो, तो माइनस टू का मतलब यहाँ आ गया, फिर आप कहोगे नहीं, अगर आप माइनस वन करके प्रीवियस नहीं करोगे ठीक है, नेक्स्ट करोगे तो कुछ आए नहीं सर, ये डाटा रिट्रीव करेंगे, माइनस वन का कर्सर है ठीक है, अगर आप प्रीवियस करोगे तो ये मिलेगा, ये मिलेगा, और नेक्स्ट करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, डाटा रिट्रीव कुछ है नहीं, कुछ है नहीं। देखो ऐसे देखो ना, अगर मैं ये मेथड अगर यहाँ पे लगाऊं, इधर देखो बच्चे, अगर मैं ये मेथड यहाँ की जगह पे यहाँ पे लगाऊं और इसके अंदर मैं दे दूं माइनस वन ठीक है, तो मेरा डेटा क्या आएगा, कद्दू है। लेकिन हाँ अगर मैं माइनस टू कर दूं तो लास्ट रिकॉर्ड आ जाएगा, अच्छा देखो क्वेरी कितनी आसान है। आपने सिलेक्ट क्या किया बच्चों, सिलेक्ट किया आपने बुक का टॉपिक और बुक का राइटर। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा चेंज कर दूं, मैंने बुक की बुक का टॉपिक चेक किया है और बुक का प्राइस, बुक का कॉस्ट, अब देखो क्या क्या आएगा देख सकते हैं, प्रोग्राम कंपाइल, प्रोग्राम रन, अब प्राइस आ रहा है। अगर आप स्टार लगा दोगे तो सारे के सारे काम करेगा,
सारे के सारे कॉलम का डेटा। तो एब्सोल्यूट पर मेथड वाला मैं लिख नहीं रहा हूँ, ये लिखा रहना चलो ठीक है, बाकी तो आपको याद रहेगा कैसे काम करना है बिफोर फर्स्ट आफ्टर लास्ट एब्सोल्यूट। सर अगर लाइन पर वन का डेटा क्यों लेना है, लाइन नंबर वन का आपको डेटा लेना है तो आप एक काम करो, आप कहो एब्सोल्यूट टू एंड प्रीवियस, एब्सोल्यूट टू एंड प्रीवियस। और कितनी चटनी डालना है और क्या चाहिए, सही है ना, प्रोग्रामिंग इज अंडरस्टैंडिंग करके देखो यार। देखो सही कहा, अगर आपको सेकंड रिकॉर्ड चाहिए बस एक रिकॉर्ड चाहिए, आप कहो आर एस डॉट नेक्स्ट छोड़ दो, आर एस डॉट नेक्स्ट गेट स्ट्रिंग आर एस डॉट नेक्स्ट तो यहां पे आ गया, फिर आप कहोगे आर एस डॉट नेक्स्ट गेट स्ट्रिंग वन गेट स्ट्रिंग टू गेट स्ट्रिंग थ्री, पर वो अच्छा तरीका नहीं है। चलो जी नेक्स्ट मेल, ये तो मैं मेल कर दूँ, ये तो मैं मेल कर दूँ, चलो आगे चलते हैं। तो हमारा रिजल्ट सेट हो गया, रिजल्ट सेट मेटा डेटा हो गया, ये हो गया ठीक है, आगे चलते हैं। अब टॉपिक जानो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट काफी देर हो गई ऐसी चलते चलते, रोहित पता क्या लगा मैं बोल गया, आई नेवर रिमेंबर, हाँ एग्जॉस्ट में से नहीं है, एग्जॉस्ट बंद है, बंद है चल रहा है, नहीं नहीं एग्जॉस्ट तो बंद है यार, नहीं उससे क्या पड़ता है, हाँ तो ऐसे करो तो मैं जाने मत आओ ठीक है। हाँ जी तो टॉपिक डालो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, ये जो प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट इंटरफेस का डेटा है और इसके द्वारा हम लोग क्या काम करते हैं, प्री को कंपाइल क्वेरीज को एग्जीक्यूट करते हैं। आपको समझ नहीं आएगा जब तक मैं आपको समझाऊंगा, प्री कंपाइल क्वेरी मतलब क्या होता है, प्री कंपाइल जरा एक बात देखो आप, जब आपने स्टेटमेंट इंटरफेस यूज किया था और हमने इंसर्ट क्वेरी चलाई थी तो सिंटेक्स नंबर वन याद है, इंसर्ट क्वेरी में सिंटेक्स नंबर वन इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, तो इंसर्ट इनटू टेबल का नाम ठीक है, वैल्यूज पहली वैल्यू कॉमा दूसरी वैल्यू कॉमा तीसरी वैल्यू, इसका मतलब यह है कि जब आप स्टेटमेंट का यूज करते हो तो हर बंदे को पता होता क्या वैल्यू जाएगी, चलो कोई बात नहीं सर हम वेरिएबल का नाम भी तो यूज कर लेते हैं, वेरिएबल का नाम यूज करते हैं, तो इंसर्ट इनटू टेबल का नाम वैल्यूज सिंगल कोट्स डबल कोट्स प्लस वेरिएबल का नाम प्लस डबल कोट्स सिंगल कोट्स कॉमा, सब बहुत खराब सिंटैक्स था पुटेगा सब, इसका मतलब ये है कि जब आप स्टेटमेंट का यूज करते हो तो या तो कंपाइल होने से पहले, वर्ड पे ध्यान देना, जब आप स्टेटमेंट इंटरफेस का यूज करते हो तो कंपाइल होने से पहले या तो हमें वैल्यू का पता होता है, या तो हमें वैल्यू नोन होती है, या वेरिएबल का नाम नोन होता है, ये तो दिक्कत वाली बात है ना, अगर हमें वेरिएबल का नाम पहले से पता है तो हमें तो पता है तूने एक्स नाम का वेरिएबल यूज किया है, वैल्यू बताओ ना, वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है पर वेरिएबल का नाम तो एक्स ही, इसका मतलब ये है जब आप स्टेटमेंट इंटरफेस का यूज करते हो तो हमारे कंपाइल होने से पहले कंपाइलर को वेरिएबल का नाम पता होता है या फिर वैल्यू पता होती है, ये तो बैड अप्रोच है, क्यों ना हम एक काम करें, क्यों ना हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट का यूज करें जिसमें हमारी वैल्यू हम रन टाइम पे दें, वैल्यू रन टाइम पे दें, अब जो वैल्यू रन टाइम पे आएगी वो कहीं ना कहीं तो स्टोर होगी, क्यों ना एक काम करें हम वेरिएबल का नाम भी बाद में दें, जब हम अपनी क्वेरी लिखें तो हम वेरिएबल का नाम स्पेसिफाई करें ना, जब हम एसक्यूएल स्टेटमेंट लिखें तो हम वेरिएबल का नाम स्पेसिफाई ना करें, वहां पे एक हम क्वेश्चन मार्क लगा दें और रन टाइम पे वो क्वेश्चन मार्क वेरिएबल के नाम से रिप्लेस हो जाए, जहां जहां पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है वहां पे वेरिएबल का नाम आ जाए, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन मार्क मेरे पास कुछ वेरिएबल है ए बी सी, तो रन टाइम पे ए वहां चला जाए बी वहां चला जाए सी वहां चला जाए, सिक्योरिटी आ गई। नंबर दो, आप लोगों ने प्रॉब्लम सुनी होगी, प्रॉब्लम का नाम है एसक्यूएल इंजेक्शन, नाम सुना किसी ने एसक्यूएल इंजेक्शन का, आप बताओ एसक्यूएल इंजेक्शन, तो कौन मुझे सही से समझाएगा एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है, आप बताओ तो कौन मुझे सही से समझाएगा एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है, अभिषेक बताना चाह रहा है, कुछ कमियां होती है एसक्यूएल, जैसे कि एसक्यूएल जब डाटाबेस बनाते हैं तो कुछ, जैसे आपने बताया कि डाटा नाम पहले से दे रखते हैं तो वही यूजर पहले से नाम पता करके उसके अंदर डाटा एक्टिव कर लेता है, हाँ काफी हद तक सही कह रहे हो, और कोई बताएगा
सॉरी लूप होल होता है, यानी कोई कमी होती है। क्या कमी होती है? एक कमजोरी टाइप की, एक किसी का किसी की वीकनेस, ठीक है। जैसे चलो एक काम करते हैं, आप लोगों का असाइनमेंट है, आप लोगों का असाइनमेंट है, ठीक है। परसों आप लोग पढ़ के आओगे व्हाट इज एसक्यूएल इंजेक्शन, ऐसे पढ़ के आओगे व्हाट इज एसक्यूएल इंजेक्शन, एसक्यूएल इंजेक्शन एंड हाउ टू प्रिवेंट इट, ये आप लोगों का असाइनमेंट है। सो व्हाट इज एसक्यूएल इंजेक्शन, उसका जेडीबीसी से बहुत बड़ा ताल्लुक नहीं है, ठीक है। तो आप लोग पढ़ के आओगे व्हाट इज एसक्यूएल इंजेक्शन एंड व्हाट इज हाउ टू प्रिवेंट इट। और एक बात ध्यान रखना, एसक्यूएल इंजेक्शन एक प्रॉब्लम है, SQL injection एक problem है। अगर ये problem है तो इसका कोई ना कोई solution नहीं होगा। तो what is SQL injection? It is a problem and what is the solution? आप पढ़ते हो। So what is SQL injection technically and how to prevent it? हमें रोजाना आपको थोड़ा बहुत ये देखा हूँ किस तरह का, आपको पढ़ने का एक book मिला है, ठीक है। Apart from assignment, एक तरह से assignment ठीक है। आप जरा देखते हैं, तो आप देखते हैं prepared statement और statement में फर्क क्या होता है, यहाँ से देखना बच्चों, statement और prepared statement में फर्क क्या होता है। तो ये मेरे पास स्टेटमेंट इंटरफेस है और ये मेरे पास प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, ठीक है। ये जो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट है ये इसका बेटा है ना, ये इसका बेटा है, यानी इसकी सारी की सारी फंक्शनैलिटी इसके अंदर तो होगी। सोचो जो तेरा है वो मेरा तो है, तो इसकी सारी की सारी फंक्शनैलिटी इसके अंदर होगी, प्लस इसके पास अपनी भी फंक्शनैलिटी होगी, ठीक है। ओके, इससे हम क्या डिनोट करते हैं? तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये डिनोट करता है स्टैटिक क्वेरीज, स्टैटिक क्वेरी, और ये डिनोट करता है डायनामिक क्वेरी। पूछो कैसे? इसके अंदर हमें कंपाइल करने से पहले या तो वैल्यू पता होती है या वेरिएबल का नाम पता होता है, और यहाँ पे ना तो हमें वैल्यू का पता होता है ना ही वेरिएबल का नाम पता होता है, तो हो गया ना डायनामिक, बोल तो रन टाइम पे, ठीक है। इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, सिंगल कोट्स के अंदर वैल्यू कॉमा सिंगल कोट्स के अंदर वैल्यू कॉमा सिंगल कोट्स के अंदर वैल्यू, पता है क्या? इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, सिंगल कोट्स के अंदर वेरिएबल का नाम प्लस सिंगल कोट्स के अंदर वेरिएबल का नाम प्लस सिंगल कोट्स के अंदर वेरिएबल का नाम, वेरिएबल का नाम पता है। इसमें ना तो हमें वेरिएबल का नाम पता है और ना ही हमें वैल्यू पता है, यानी डेटा रन टाइम पे जा रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये जो है हमारा ये कहलाता है प्री कंपाइल क्वेरी। प्री कंपाइल क्वेरी यानी यहाँ पे हमारे पास जो क्वेरी है वो एक बार कंपाइल होती है, हम उसको रीयूज कर सकते हैं, उसको रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट इंटरफेस जब आप यूज करोगे तो एसक्यूएल इंजेक्शन की प्रॉब्लम सामने आ सकती है जो कि आपको पढ़ना है, लेकिन बाय द हेल्प ऑफ प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट हम एसक्यूएल इंजेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं इन केस ऑफ जावा। आपको जावा के कॉन्टेक्स्ट में नहीं पढ़ना है, आपको यह पढ़ना है कि एसक्यूएल इंजेक्शन होता क्या है और इसको कैसे प्रिवेंट किया जाता है। तो अगर आपको जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके एसक्यूएल इंजेक्शन को प्रिवेंट करना है, विच इज अ गुड प्रैक्टिस, आप यूज करोगे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, ठीक है। और प्रिवेंट नहीं करना है जो दैट इज अ बैड प्रैक्टिस, आप यूज करोगे स्टेटमेंट। हालांकि आप स्टेटमेंट और प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट दोनों ही यूज कर सकते हो, दोनों ही यूज कर सकते। सर अभी पूरा आ नहीं रहा है, प्री कंपाइल क्वेरी कोई भी ऐसी क्वेरी जो पहले से कंपाइल है, सर अभी भी सही से समझ नहीं आया, तो उसको समझ लिया। तो कहानी है कि जब हम किसी एसक्यूएल स्टेटमेंट को चलाते हैं तो आपको वो चलता कैसे? सर जब हम किसी एसक्यूएल स्टेटमेंट को चलाते हैं तो वो ऐसे चलता है, अब ऐसे नहीं चलता है, वो एग्जीक्यूट कैसे होता है? अच्छा ऐसे तो ठीक है, बताते हैं। तो देखो जब हम किसी एसक्यूएल स्टेटमेंट को चलाते हैं तो आपकी वो चलता कैसे है, अब आपको पता चलता है। देखना सबसे खतरनाक चीज ये, तो एक डायग्राम देखते हैं, ठीक है। डायग्राम एक डायग्राम से समझते हैं, ऊपर लिखा हुआ है डायग्राम, हाँ डायग्राम, ठीक है, हाँ डायग्राम है। आ जाओ तो ये मान लो ये जावा की एप्लीकेशन है, जावा की एप्लीकेशन है और ये डेटाबेस है, यहाँ पे देखना इसको डेटाबेस है। तो जब आप कोई एसक्यूएल स्टेटमेंट चलाते हो तो वो एसक्यूएल स्टेटमेंट चार अलग अलग पेजेस से होकर गुजरता है, मालूम था सर कुछ ना कुछ डाटा फैलेगा। तो जावा की एप्लीकेशन जब भी किसी स्टेटमेंट को चलाएगी वो चार अलग अलग फेजेस से होकर गुजरेगी। सबसे पहली फेज कहलाती है पार्सिंग, पी फॉर पार्सिंग, पार्सिंग। नंबर दो कंपाइलेशन, सो पार्सिंग कंपाइलिंग देन ऑप्टिमाइजेशन एंड देन एग्जीक्यूशन, देन द चेंजेस विल बी रिफ्लेक्ट टू द डेटाबेस। सो जब भी हम किसी एसक्यूएल स्टेटमेंट को चलाएंगे तो सबसे पहले उसकी पार्सिंग होगी, उसके बाद कंपाइलिंग होगी, ऑप्टिमाइजेशन होगा, एग्जीक्यूशन होगा, और जब एग्जीक्यूशन होगा तो चेंज हो जाएगा, डेटाबेस विल बी अफेक्टेड, ठीक है, अफेक्टेड, ठीक है। और ये मेरे पास कोई एसक्यूएल स्टेटमेंट है, एसक्यूएल स्टेटमेंट, एसक्यूएल स्टेटमेंट बोले तो इट मे बी इंसर्ट क्वेरी,
इट मे बी डिलीट क्वेरी, अपडेट क्वेरी वगैरह वगैरह वगैरह, कुछ भी हो सकता है, सिलेक्ट है, अपडेट है, इंसर्ट है, डिलीट है। तो जब भी हम किसी क्वेरी को चलाते हैं, चार फेजेस होते गुजरती है, पार्सिंग, कंपाइलिंग, ऑप्टिमाइजेशन, एग्जीक्यूशन। पूरा लिखना, कभी पीसीओई, ये बताओ फिर एसक्यूएल स्टेटमेंट चलता तो होता क्या? सर पीसीओई होता है। हाँ बाकी हजार से छोटी जगह ठीक है, आई मीन हसन से पार्सिंग, कंपाइलिंग, ऑप्टिमाइजेशन, एग्जीक्यूशन। आप तो मैं भी हसन सर बोल लगा अपने आपको जो भी हो गया क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई। अब कहानी समझो, बहुत ध्यान से देखना, देखो कहानी समझो, ये स्टेटमेंट है, बढ़कर ध्यान दो, ये स्टेटमेंट है और ये प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट है। देखो जमीन आसमान का फर्क है दोनों में, ध्यान से देखिएगा, ये स्टेटमेंट है और ये प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट है। इसने क्वेरी लिखी, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, एग्जीक्यूट अपडेट, दो ही होंगे ना, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, एग्जीक्यूट अपडेट, पार्सिंग हुआ, कंपाइलेशन हुआ, ऑप्टिमाइजेशन हुआ, एग्जीक्यूशन हुआ, ठीक है। सेम क्वेरी री एग्जीक्यूट, सेम क्वेरी री एग्जीक्यूट, पार्सिंग, कंपाइलेशन, ऑप्टिमाइजेशन, एग्जीक्यूशन, सेम क्वेरी री एग्जीक्यूट, पार्सिंग, कंपाइलेशन, ऑप्टिमाइजेशन, एग्जीक्यूशन। जरा सोचो, एक क्वेरी री एग्जीक्यूट हो रही है, बार बार ऐसे गुजर रही है, स्लो नहीं होगी परफॉर्मेंस, ठीक है। अब सर इसका देखते हैं, ये है, इसके पास एक इंसर्ट क्वेरी है, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, एग्जीक्यूट अपडेट, पार्सिंग, कंपाइलिंग, ऑप्टिमाइजेशन, एग्जीक्यूशन, री एग्जीक्यूट, री एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूशन, री एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूशन, री एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूशन, री एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूशन, क्वेरी चेंज, पार्सिंग, कंपाइलिंग, ऑप्टिमाइजेशन, एग्जीक्यूशन, री एग्जीक्यूट, री एग्जीक्यूट। कौन सा फास्ट है? आप समझ में आ रहा है? तो अगर मान लो मेरे पास एक क्वेरी है और मुझे उस क्वेरी को री एग्जीक्यूट करना है तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट बेहतर है, और री एग्जीक्यूट नहीं करना है, जो कि हम कभी करते ही नहीं है, हमेशा री एग्जीक्यूट करते हैं। भाई मेरे पास एक इंसर्ट क्वेरी है, वो इंसर्ट क्वेरी तो हजारों बार चलेगी, मेरे पास एक इंसर्ट क्वेरी है, वो इंसर्ट क्वेरी हजारों बार चलेगी, अपडेट क्वेरी हजारों बार चलेगी, चलेगी नहीं चलेगी, डिलीट क्वेरी हजारों बार चलेगी। तो अगर आपको किसी क्वेरी को री एग्जीक्यूट करना है, तो विद दिस नेवर डू, डेफिनेटली प्रिपेयर्ड है, वो पहले से बना हुआ है। सोचो एक ऐसा स्टेटमेंट जो पहले से बना हुआ है, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, ठीक है। तो अब जरा देखते हैं स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। तो अगर मान लो मैं किसी क्वेरी को फर्स्ट टाइम चलाता हूँ, ठीक है, आगे देखते हैं, ये स्टेटमेंट है और ये प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट है। हमने किसी क्वेरी को फर्स्ट टाइम चलाया तो क्या होगा, पी होगा, सी होगा, ओ होगा, ई होगा, पी सी ओ ई, ठीक है। सेम क्वेरी हमने जो है मल्टीपल टाइम चलाई तो पी सी ओ पी, फास्ट है, फास्ट है। अब ये मत कहना सर मेरे पास एक इंसर्ट क्वेरी है, एक अपडेट क्वेरी है और एक डिलीट क्वेरी है, अगर मैं ये चलाऊं तो पीसीओई, और सर ये चलाऊं तो पीसीओई, ये चलाऊं तो पीसीओई, अगर इसे दोबारा चलाऊं तो ई, और सर अगर इसे दोबारा चलाऊं तो ई, इसे दोबारा चलाऊं तो ई, ठीक है। तो पार्सिंग, कंपाइलिंग, ऑप्टिमाइजेशन, एग्जीक्यूशन, व्हेनेवर अ क्वेरी इज री एग्जीक्यूट, सेम क्वेरी री एग्जीक्यूटेड, एस क्यू आर ई, सेम क्वेरी री एग्जीक्यूटेड। प्लीज पूरा लिखना आप, तभी आप लिखो एस क्यू आर ई। हेलो सर, रात में 12 बजे एस क्यू आर ई क्या था? हेलो हेलो, काट दे फोन, चले भी चले। अरे आपका थोड़े में डायरेक्टर सर का उठा था एक बार, हाँ डायरेक्टर सर एक बार उन्होंने बुलाया, भाई बात सुनो मेरा तो उठा लिया वो फोन, मैं सर पता नहीं चलता मुझे, फिर मैंने उन्हें क्या, उन्होंने उठाया, भाई सर नाराज हो गए, ठीक है, फिर उनका आया, फिर मैंने नहीं उठाया, फिर उनको क्या उन्होंने उठाया, सुबह उन्होंने बुलाई गई, हाँ क्या बात थी, फिर आपके तो फोन आया था, हाँ तो फिर आपका आया था, फिर मेरा आया था, वो इस तरह सोच रहे। चलो जी चलो, अब ये बताओ, ये बताओ कि स्टेटमेंट को ऑब्जेक्ट कैसे निकाला जाता है, और उसको समझ के देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देखना, बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है। अगर मान लो आपको स्टेटमेंट को ऑब्जेक्ट निकालना है तो आप क्या लिखते हो? क्यों भाई, अगर आपको स्टेटमेंट को ऑब्जेक्ट निकालना है तो आप क्या लिखते हो? आप लिखते हो स्टेटमेंट, इसको पूरा लिख देना, स्टेटमेंट एस इक्वल्स टू कनेक्शन का ऑब्जेक्ट और क्रिएट स्टेटमेंट, है ना, क्रिएट स्टेटमेंट, क्रिएट स्टेटमेंट। और जरा ध्यान से देखो बच्चों, ये जो क्रिएट स्टेटमेंट है ये खाली पेट चलता है, खाली पेट चलता है,
तो हाउ टू गेट ऑब्जेक्ट, तो हाउ टू गेट ऑब्जेक्ट ये चलता खाली पे। चलो क्वेरी कैसे एग्जीक्यूट होती है, हाउ टू एग्जीक्यूट क्वेरी, हाउ टू एग्जीक्यूट क्वेरी स्टेटमेंट का यूज करके आप लिखते हो स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, एग्जीक्यूट अपडेट। और देखो इसके अंदर आप क्या पास करते हो, इसके अंदर आप पास करते हो क्वेरी। इसका मतलब हमें यहाँ पे दो बात देखने को मिली, स्टेटमेंट का जो ऑब्जेक्ट है वो निकलता है खाली पे, लेकिन जब क्वेरी एग्जीक्यूट होती है तो उसमें हम क्वेरी पास करते हैं, है ना। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल इसका उल्टा है, इसका बिल्कुल उल्टा है, यानी यहाँ पे आप इसे कुछ खिलाओगे ये खाली पे है। आओ देखते हैं प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट कैसे निकलेगा। यहाँ पे देखना हाउ टू गेट ऑब्जेक्ट, आप देखोगे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, ठीक है, PS equals to connection का object dot prepare statement, prepare statement, statement, और इसके अंदर क्या पास करोगे आप अपनी query। कितना अजीब और गरीब है, फिर से देखो बच्चों, prepare statement PS equals to connection का object dot prepare statement, वर्ड्स पे ध्यान दो, इंटरफेस का नाम है prepared statement, इंटरफेस का नाम है prepared statement, प्रीपेयर्ड मतलब पहले से बना हुआ है, ठीक है, और मेथड का नाम है प्रीपेयर स्टेटमेंट। चलो स्टेटमेंट को बनाओ, स्टेटमेंट को बनाओ, मेथड का नाम है बनाओ द स्टेटमेंट, और जबकि इंटरफेस का नाम है बना हुआ स्टेटमेंट। वो देखो मेथड का नाम है प्रीपेयर्ड, मेथड का नाम है प्रीपेयर स्टेटमेंट, और इंटरफेस का नाम है प्रीपेयर्ड, प्रीपेयर्ड, और अंदर क्या पास कर रखा है क्वेरी, जबकि अगर यहां देखो आप वो खाली पेड, खाली पेड, ओके okay, यहाँ पे हमने क्वेरी एग्जीक्यूट की थी एग्जीक्यूट अपडेट से, और अंदर क्वेरी डाली थी, ध्यान देखो क्या लिखोगे आप, प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, सिंपल सिंपल एग्जीक्यूट अपडेट, ऐसे ही एज इट इज, ऐसे अच्छा। इसके अंदर क्वेरी इतना साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है, अपना मेथड टॉपिक डालो, द मेथड्स ऑफ प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, द मेथड्स ऑफ प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, द मेथड्स ऑफ प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, मतलब कॉमन मेथड्स हटाओ इसे। तो दिस इज हाउ टू गेट ऑब्जेक्ट ऑफ स्टेटमेंट, एंड दिस इज हाउ टू गेट ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, दिस इज हाउ टू एग्जीक्यूट अ क्वेरी बाय यूजिंग स्टेटमेंट, एंड दिस इज हाउ टू एग्जीक्यूट अ क्वेरी बाय यूजिंग प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। अब आप लोग मुझसे पूछोगे सर ये मेथड किसका है, डेफिनेटली कनेक्शन का, और ये मेथड किसका है, डेफिनेटली पीएस का, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का, ये मेथड कनेक्शन का है और ये मेथड स्टेटमेंट है, और ये पिताजी है ये बेटा है, पिताजी से फास्ट है, पिताजी से सिक्योर्ड है, पिताजी स्टैटिक क्वेरी को से डिनोट करते हैं, ये स्टैटिक को भी करता है डायनेमिक को भी करता है, तो जैसा बाप वैसा बेटा तो है, पर बेटा उसे याद अभिषेक को छोड़ देते तुम्हें नहीं, तुम मुंबई में रहता है ऐश्वर्य वाला, ये तो दादा बेटे जो है आपसे थोड़े से अपडेटेड होते हैं, है ना, थोड़े से अपडेटेड होते हैं, बस वही एक्सेप्टेड है। चलो फिर आ जाओ, देखो मेथड्स ऑफ प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, मेथड्स ऑफ प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, मेथड्स ऑफ प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, तो देखो बच्चों मेथड का नाम क्या है, तो मेथड का नाम है, मेथड का नाम है सेट स्ट्रिंग, सेट स्ट्रिंग, इसमें आप पास करोगे इन टाइप में कॉलम की इंडेक्स, कॉलम की इंडेक्स, कॉमा कॉलम की वैल्यू, कॉमा कॉलम की वैल्यू, और वैल्यू होगी स्ट्रिंग की फॉर्म में, वैल्यू होगी स्ट्रिंग की फॉर्म में, अभी मेथड यूज करके बताऊंगा। दूसरा मेथड है void set int, सेम है कॉमा, वैल्यू दोगे int की फॉर्म में। तीसरा मेथड है, तीसरा मेथड है, मेथड का नाम है set float, ठीक है, यहाँ पे पास करोगे कॉलम की इंडेक्स, कॉमा वैल्यू पास करोगे फ्लोट की फॉर्म में, काफी तुम्हें समझ में आ गए होंगे आपको, ठीक है। पहला मेथड है सेट स्ट्रिंग, सेट इंट, ठीक है, क्या पास करोगे सेट स्ट्रिंग के अंदर कॉलम की इंडेक्स, कॉमा वैल्यू स्ट्रिंग की फॉर्म में, मेथड का नाम है सेट इंट, कॉलम की इंडेक्स, कॉमा इंट टाइप की वैल्यू, मेथड का नाम है सेट फ्लोट, कॉलम का इंडेक्स, कॉमा फ्लोट टाइप की वैल्यू। अगला मेथड कौन सा होगा, सेट लॉन्ग, सेट लॉन्ग कॉलम की वैल्यू, कॉमा लॉन्ग टाइप की वैल्यू। अगला मेथड सेट डबल, सेट डबल कॉलम की इंडेक्स, कॉमा डबल टाइप की वैल्यू, डबल टाइप की वैल्यू। अगला मेथड सेट डेट, सेट डेट कॉलम की इंडेक्स, कॉमा डेट टाइप ऑफ
डेट टाइप का ऑब्जेक्ट। क्या कोई मुझे बता सकता है ये जो डेट टाइप का ऑब्जेक्ट है, ये जो डेट नाम की क्लास है, ये कौन से पैकेज में मिलती है? ये जो आप सोच रहे हो हमारा, आप गलत सोच रहे हो, आप गलत सोच रहे हो। ये जो डेट है ना, ये जो डेट है, ये डेट जानते हो किसकी बच्ची है? ये जो डेट है ये इस डेट की बेटी है, राइट? हाँ, डेट की बेटी, डेट। तो सर हम कैसे पहचानेंगे कौन किसकी बेटी है? तो ये जो ये डेट है, ये वाली जो डेट है, ये वाली डेट वो ये है, ये वाली जो डेट है इसका लगा देता हूँ तो वो ये है, और ये जो डेट है ये वो है जो आप समझ रहे हो, ये है जावा डॉट यूटिल वाली, ये है जावा डॉट यूटिल वाली यूटिल, और ये जो है ये है जावा डॉट एसक्यूएल वाली। इन दोनों में फर्क क्या होता है? अब इन दोनों में फर्क क्या होता है? ये माँ है, ये बेटी है। माँ मिलेगी यूटिल में, माँ मिलेगी यूटिल में, बेटी मिलेगी एसक्यूएल में। माँ के द्वारा आप क्या कर सकते हो? आप माँ के द्वारा करंट सिस्टम डेटा टाइप शो कर सकते हो। So by the help of this class, we can denote the current system date and time. And by the help of this class, we can denote the database specific time. Database specific time. And this is a subclass of this exchange. So by the help of this class, we can denote current system date and time. And by the help of this class, we can denote the database specific time in terms of Java application. So what is date? Date extends date. आपने जो use की थी वो ये use की थी। और यहां जो ये पास हो रही है ना वो ये है जो कि इसकी बेटी। और ये तो बहुत खतरनाक लग रहा है। सेम नाम का सब क्लास बन सकता है? सेम नाम का सब क्लास, हाँ सेम नाम का सब क्लास बन सकता है किसी दूसरे पैकेज में, किसी दूसरे पैकेज में। माँ को अलग रख दो, आपको देखा, आपने देखा नहीं ऑरेकल डॉट जेडीपीसी डॉट ऑरेकल डॉट जेसी जेडीपीसी डॉट ड्राइवर डॉट ऑरेकल ड्राइवर एक्सटेंडेड बाय ऑरेकल डॉट जेडीपीसी डॉट ऑरेकल ड्राइवर। तो दो माँ और बेटी दोनों अलग अलग है। अगर यहाँ देखो तो माँ का जो है, माँ इंडिया के यूपी में रहती है जबकि बेटी इंडिया के महाराष्ट्र में रहती है, दोनों अलग अलग है। शादी नहीं हुई, माँ भाते माँ भी पहले महाराष्ट्र में रहती थी, माँ भाते। देखो मैं आपको एक चीज सुनाता हूँ, आज का डिसीजन चलता है ना, जॉब जल्दी मिलती नहीं है ना, जॉब जल्दी मिलती नहीं है। तो देखो दो कहानियां है, एक टेक्निकल लड़की और एक टेक्निकल लड़के में क्या फर्क होता है? ठीक है, ये पापा है, ये पापा है, लड़की ने 6 महीना स्ट्रगल किया, लड़की ने 6 महीना स्ट्रगल किया, पापा के पास गए, पापा मैं हार गई, लड़की के गले में हार गया। अब सुनो बेटा, 6 महीने स्ट्रगल करने के बाद पापा गए, पापा मैं हार गया, समझो वो हार गया। नहीं है पापा, दीदी की तो बराती बीटेक करने के बाद। नहीं बेटा, तुम्हारी दीदी तैयार थी, किसी और की दीदी तैयार नहीं है ना। लड़के बड़े परेशान, हमने साथ भी हुआ था। पापा कुछ कुछ होता है, अगर तुझे तुझे कुछ नहीं होता, जमाने के बाद सुनने के बाद मुझे बहुत कुछ होता है, चल जॉब कर, ये होता है। हाँ ये तो है, फिर क्या है क्या, इसलिए प्रपोजल रखा होगा पापा के सामने। बहुत सही है, तो बात समझ आई, तो तुम्हारी बात पे कह रहा हूँ। तो ये मम्मी है, ये मम्मी है यूटिल पैकेज के अंदर, ये बेटी है एसक्यूएल पैकेज के अंदर। करंट सिस्टम डेट एंड टाइम, डेटाबेस स्पेसिफिक टाइप इन टर्म्स ऑफ जावा एप्लीकेशन। ठीक है, तो चलो हाउ टू एग्जीक्यूट क्वेरी यूजिंग प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। जस्ट स्टेप लिखो, हाउ टू एग्जीक्यूट क्वेरी यूजिंग प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, हाउ टू एग्जीक्यूट क्वेरी यूजिंग प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। ये मैंने खुद ही बनाया था, डिसीजन को देखते हैं, आओ देखते हैं। तो देखो इसका स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, देखो भाई कैसे होगा ये। तो स्टेप नंबर वन, हाँ जी, तो गेट द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, तो ऐसी बात है, क्वेरी भी लिखोगे आप वहां पे। ठीक है, स्टेप नंबर टू, हाँ, तो हाउ टू एग्जीक्यूट अ क्वेरी यूजिंग प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। तो स्टेप नंबर वन, गेट द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। आप सुनो, स्टेप नंबर वन वो तो आपको जानते ही हो, लोड द ड्राइवर, वो तो है। यानी स्टेप नंबर वन आप देखना, तो लोड द ड्राइवर तो हो गई है ना, लोड द
वेरिएबल, उसके बाद स्टेप नंबर टू, स्टेप नंबर थ्री लिखो, पुट द वैल्यूज, पुट स्टेप नंबर टू, स्टेप नंबर वन तो ये हो गया, ठीक है, साफ का लिखा तो है, गेट द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, अरे गेट द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, स्टेप नंबर तीन, पुट द वैल्यू अगेंस्ट प्लेस होल्डर, थोड़ा सा टॉपिक चेंज है, पुट द वैल्यू अगेंस्ट प्लेस होल्डर, ये प्लेस होल्डर क्या होता है, प्लेस होल्डर को हम क्वेश्चन मार्क के नाम से डिनोट करते हैं, क्वेश्चन मार्क, और ये काम करने के लिए हम यूज करते हैं सेट मेथड्स, सेट मेथड्स। अब आप सोच रहे होंगे सर सेट नाम का मेथड तो आपने पढ़ाया नहीं, पढ़ाया है, सेट स्ट्रिंग, सेट इन, सेट फ्लोट, सेट डबल, सेट लॉन्ग, सेट बूलियन, सेट डे, बताया तो है, ओके, स्टेप नंबर चार, एग्जीक्यूट द क्वेरी, एग्जीक्यूट द क्वेरी कैसे करोगे वो आपको पता है, एग्जीक्यूट अपडेट, ठीक है, सो एंड स्टेप नंबर पांच, क्लोज द कनेक्शन, सर तीसरा होगा, हाँ जी तीसरा, ये सीएलटी क्या हो सकता है, अच्छा सीएलसी होगा, सीएलसी सीटीसी होगा यार, क्लोज द कनेक्शन, ओ प्लीज 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 पूरा लिख लेना सर, नंबर थर्ड, हाँ जी नंबर थर्ड, पुट द वैल्यू, पुट द वैल्यू अगेंस्ट प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर, या पुट द वैल्यू फॉर द प्लेस होल्डर, फॉर प्लेस होल्डर की बात है, और प्लीज खुदा के वास्ते खुदा रख लेना, नहीं तो भैया आप लोग फिर से बोल देता हूँ, सबसे पहले लोड द ड्राइवर, फिर से देखो बच्चों, स्टेप नंबर वन लोड द ड्राइवर, स्टेप नंबर टू गेट द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, स्टेप नंबर थ्री पुट द वैल्यू फॉर द प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर बोले तो क्वेश्चन मार्क, अभी हम यूज करेंगे क्वेश्चन मार्क, स्टेप नंबर चार एग्जीक्यूट द क्वेरी, स्टेप नंबर पांच क्लोज द कनेक्शन, सर ये वाला कैसे करेंगे, सेट मेथड का यूज करके, ये वाला कैसे करेंगे, एग्जीक्यूट अपडेट, और ये वाला कैसे करेंगे, ये तो आपको पता ही है, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट लिखोगे उसके अंदर क्वेरी पास करोगे, और ये यार इसमें ये गड़बड़ नहीं होगी, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट आया नहीं है ना, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट आया नहीं, गेट द कनेक्शन है कि नहीं, ये तो ऐसे होना चाहिए ना भैया, ये ऐसे होना चाहिए, तो स्टेप नंबर वन ये आ गया, स्टेप नंबर टू ये आ गया, चेंज कर दो, स्टेप नंबर तीन, स्टेप नंबर चार, स्टेप नंबर पांच, स्टेप नंबर छह, कनेक्शन ही नहीं कर रहे, मेरा कनेक्शन क्या आ जाएगा, मेरा कनेक्शन क्या आ जाएगा, मेरा कनेक्शन वो देखो कैसे घूम गया हो, मुझे ये लग रहा है कि ये हम अगर एल्गोरिथम समझ लेते हैं ना तो चीजें ही हो जाती है, एल्गोरिथम हमें पता होना चाहिए, अगर आपको कोई पूछे यार ये प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट को कैसे यूज करते हैं, अरे सर कुछ स्टेप्स होते हैं, स्टेप नंबर वन सबसे पहले ड्राइवर क्लास को लोड कर लो, उसके बाद कनेक्शन का ऑब्जेक्ट निकाल लो, उसके बाद प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट निकाल लो, क्वेरी लिख दोगे इसके अंदर, फिर पुट द वैल्यू अगेंस्ट द प्लेस होल्डर, एग्जीक्यूट करो क्वेरी और कनेक्शन को क्लोज करो, अब आपसे पूछेगा कनेक्शन क्लोज कैसे करोगे, सर क्लोज मेथड है ना, ओके ये बताओ क्वेरी एग्जीक्यूट कैसे करोगे, सर एग्जीक्यूट अपडेट है ना, ओके ये बताओ जो प्लेस होल्डर है उसकी वैल्यू कैसे पुट करोगे, सर सेट मेथड है ना, सेट इन, सेट फ्लोट, सेट डबल, ये प्रिपेयर स्टेटमेंट, ये ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, और ये क्लास डॉट फॉर्म नेम, ठीक है, बस एक ही दिक्कत है, अब हमें अपने टेबल को थोड़ा सा नए सिरे से कस्टमाइज करना पड़ेगा, पूछो कैसे, अब मुझे टेबल के अंदर सुनो बच्चों, अब मुझे टेबल के अंदर जो कॉलम चाहिए, इधर देख लो बच्चे सरिता, अब मुझे टेबल में जो कॉलम चाहिए वो चाहिए नंबर टाइप का, एक तो चाहिए नंबर टाइप का, एक चाहिए वैर का टू टाइप का, एक चाहिए नंबर टाइप का जिसमें प्रिसीजन भी हो स्केल भी हो, और एक चाहिए डेट टाइप, तभी तो मजा आएगा, इसका डेटा डालने के लिए सेट इंट, इसका डेटा डालने के लिए सेट स्ट्रिंग, इसका डेटा डालने के लिए या तो सेट फ्लोट या तो सेट डबल, और इसका डेटा डालने के लिए डेट क्लास का ऑब्जेक्ट बोले तो सेट डेट में, और उसके लिए फिर हमें डेट क्लास फिट करनी पड़ेगी, जब मैं आपसे कहूंगा ना डेट क्लास का ऑब्जेक्ट, फिर मैं वापस जाऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा डेट क्लास के बारे में, अभी डेट क्लास है तो अभी प्रोग्राम बनने में टाइम लगेगा, जींस की शर्ट, आई लाइक दिस शर्ट, फालतू में इतना उसको अच्छा करंट था, उसके पास जींस की शर्ट है नहीं बता, ठीक है उसने कहा हो गया अपनी जींस देना हमसे फाड़ के कार्ड बना, हमें मैंने कहा भाई तुम्हारे पास है नहीं तुम बताओ, रो रहे
रिवाइज की शुरू में हम गए, उसने कहा भाई, मैंने कहा वो फटी वाली थी, बोले बहुत बहुत एक्सपेंसिव है, और मैंने कहा जो अच्छी सी बोले वो तो सस्ती सी, बोले वो तो बहुत महंगी है जो फटी हुई है, मैंने कहा अगर बिल्कुल फाड़ दो उसको बोले वो तो फिर एक्सपेंस बहुत हो फिजिशियन हो जाएंगे, तो रेडी का वो पहनेगा सफर दिखा के देखिए यहाँ से यहाँ तक फटी गई है ना, सही है लोग एकदम भाई साहब बहुत पैसा इसके पास फटी गई है। और पहले हम लोग पेबंद लगवा दिया करते थे ना, ये गरीब आदमी में पेबंद लगाया, ठीक है अब वो हो पेबंद लगा रहे हैं तो टी एच आर ओ डब्ल्यू एच कितना जमाना बदल गया, सही लिखा भाई थ्रोएबल, अच्छा थ्रो बाली हो गया, तो एक काम करें इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, मैं बहुत चाहना हूँ इसको यहाँ कट करके यहाँ केस पेपर सही है, चलो टाइम वेस्ट करना कोई मुझसे सीखे भाई साहब बताओ मस्त जबरदस्त, तो अगर देखते हैं इसको टेस्ट डीबी इसको सेव करो कंट्रोल डी डॉट आर, तो अच्छा इससे काम करते हैं यहाँ पे ना टेस्ट डीबी 11 मजा नहीं आएगा, आप समझ नहीं पाओगे क्या चीज है, तो टेस्ट प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट है ना अब सही है इसको सेव करो, तो इसको नए नाम सेव करूंगा ऑल्ट एफ नहीं होगा ये, तो ऑल्ट एफ सेव एज कंट्रोल डी कोई वहां गया था ESS में ईस्टर्न सॉफ्टवेयर सिस्टम में गया था कोई ESS में गया कोई ईस्टर्न सॉफ्टवेयर सिस्टम में किसी का हुआ नहीं, हमारे दो लोग कहते किसी का नहीं हुआ कोई कॉमर्स तुम्हारा कवर हो फिर जाना अभी आज जाना है यस सर, चलो स्टेप नंबर 1 लिखते हैं बच्चों, तो स्टेप नंबर 1 तो सेम ही है और स्टेप नंबर 2 भी सेम है ना, इसे कॉपी पेस्ट कर देते हैं, कॉपी करो इसको पेस्ट करो कंट्रोल वी, अब आता है स्टेप नंबर 3, बोलो जी स्टेप नंबर 3 क्या है, गेट द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, कैसे निकालोगे आप लिखोगे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट पीएस इक्वल्स टू कनेक्शन का ऑब्जेक्ट, चलिए काम करो तो बस अभी करता हूँ प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट और इस ऑब्जेक्ट का नाम तो देखो, एक काम करो पीएस हाँ तो इसको भी सी करो, हाँ सी काफी है इसको पीएस कर दो, इसको पीएस ठीक है क्या फायदा दिक्कत हो जाएगी मेरा सी काफी है, सी डॉट क्या नाम है मेथड का प्रीपेयर स्टेटमेंट, प्रीपेयर स्टेटमेंट ठीक है, और क्या लिखोगे क्वेरी, अब जरा देखो क्वेरी कैसे होगी, पहले आपके पास टेबल तो होनी चाहिए और टेबल हमने बनाई नहीं है, तो टेबल के हिसाब से क्वेरी होगी, तो पहले टेबल बना लेते हैं जल्दी से एक डेमो टेबल ऐसे ऐसे ठीक है, नहीं बनाने पड़ेगा बच्चे ठीक है, तो कितना टाइम लगता मुझे आधा एक मिनट, आप घड़ी में देखो एक मिनट लगेगा तो चेक कर लो, बस वो जब मैं कहूँ तब एक मिनट शुरू करना, तो माई डेमो टेबल है माई डेमो ठीक है, इसमें कोई वेरिएबल ले लो कुछ भी ले लो ऐसे ही, क्या ले लोगे इसमें एक तो या कुछ अच्छा सा ले लो यार, कोई बढ़िया सा बताओ इसमें क्या क्या हो सकता है, जैसे एम्प्लॉय के बारे में देख लेते हैं, एम्प्लॉई ईएमपीएन को बनी हुई है पहले से, अरे ऐसे ले लो ईएमपीएन ले लो ऐसे सही है, एक तो एम्प्लॉय की आईडी होगी बच्चों, अच्छा एक तो आईडी होगी ओके, अगला क्या होगा एम्प्लॉय का नाम ओके, एम्प्लॉय का होगा सैलरी ठीक है, और एक एम्प्लॉय का डेट ऑफ ज्वाइनिंग डीओजे डेट ऑफ ज्वाइनिंग ओके, तो आईडी तो हमारी हो गई नंबर टाइप की, वेलकम टू टाइप का हो गया नाम, सैलरी हो गई नंबर टाइप की, अब प्रिसीजन और स्केल मुझे, अब सैलरी कितनी हो सकती है 5 अंकों में हो सकती है 6 अंकों में हो सकती है, तो हम चाहते हैं 5 अंकों में सैलरी हो ठीक है 9999 तक हो जाएगा, और 2 अंकों में उसका डेसिमल पार्ट हो, तो 5 और 2 7 यानी 7 में 5 इसके लिए 2 उसके लिए, तो 7 याद आया मैंने बताया था 7 उसके लिए और 2 उसके लिए, यानी 5 अंक आ गए डेसिमल पार्ट से पहले 2 बाद में आ गए ओके, और डेट ऑफ जॉइनिंग किस टाइप में आएगी डेट टाइप में ठीक है, इसकी यार बिट कम कर दो और इसको कन्फर्म कर दो कन्फर्म, और इसकी माँ का नाम सिस्टम है, ये नहीं बता मैं इसकी माँ का नाम सिस्टम है, इसकी माँ का नाम सिस्टम है, डेटा डाल के देखेंगे वहां से, चलो अब मुझे यहाँ पे क्वेरी लिखनी है, क्वेरी कितनी गजब की होगी आप देख के चौंक जाओगे, मैंने आपको क्या बताया प्लेस होल्डर, आप बता देखो ठीक है, हाँ जी कैसे लिखी जाती है क्वेरी, क्वेरी लिखी जाती है ऐसे, ध्यान से देखिए प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का जादू, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम ईएमपीएल वैल्यूज 2 ब्रैकेट के बीच में, पता नहीं चार तो थे वहां पर
तो जितने वहां पे कॉलम थे उतने क्वेश्चन मार्क, तो जितने कॉलम उतने क्वेश्चन मार्क, आई रिपीट जितने कॉलम उतने क्वेश्चन मार्क। तो कॉलम नंबर वन ये आ गया आपका आईडी, ये है नेम, ये है सैलरी और ये है डेट ऑफ जर्नी। अब मुझे इसका डेटा डालना है, तो इसका डेटा डालने के लिए सेट इंट, इसके लिए सेट स्ट्रिंग, इसके लिए सेट फ्लोट और इसके लिए सेट डेज। याद आया, ये तो है प्लेस होल्डर, देखो पुट द वैल्यू, ये तो हमारा आ गया स्टेप नंबर तीन। अब हम देखते हैं स्टेप नंबर चार, मुझे इसकी वैल्यू देखनी है, इसका डेटा टाइप क्या है नंबर, तो या तो सेट इंट या सेट लॉन्ग, सेट स्ट्रिंग या तो सेट फ्लोट या सेट डबल और इसका डेट। अब कहानी समझो, ये है प्लेस होल्डर नंबर वन यानी इंडेक्स नंबर वन, इंडेक्स नंबर टू, इंडेक्स नंबर थ्री, इंडेक्स नंबर फोर। तो एक काम करें, इसका डेटा की कोर्स उठाया जाए कि भाई पहले आईडी दे दो फिर अपना ये दे दो। अब कहानी फंसेगी डेट में, कहानी फंसेगी डेट में, तो सबसे पहले तीन कॉलम का वैल्यू देता हूँ, चौथे में फंसते हैं, फिर समझेंगे। तो डेटा उठा लो कीबोर्ड से, डेटा कीबोर्ड से उठाओ, कहाँ से उठाओ, कैसे, तो इंपोर्ट java.util.scan। अब बनाते हैं स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट स्कैनर एससी, अभी नई नई चेंज हुई है, एससी इक्वल टू न्यू स्कैनर, ये सोचते हो मुझे कितना यूज करते हैं, सिस्टम डॉट इन, ओके सबसे पहले मैसेज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, तुम लोग कंपाइल हो वैसे है ना, प्रिंट कहीं ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अरे रुको यार, रुक जाओ, एंटर द आईडी, ओके अगला कौन सा मैसेज आएगा भाई, इसे कॉपी करो, नाम एंटर कराना है मुझे, ठीक है एंटर, नाम एंटर कराना है, सैलरी और डेट ऑफ ज्वाइनिंग, चलो ठीक, एंटर द नेम, एंटर द सैलरी, सैलरी और एंटर द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। एक बात का ध्यान रखना, क्या सर आपने ये ब्रैकेट क्यों लगाया, जरूर कुछ ना कुछ पंगा होने वाला है सर, हाँ वही मैं बताने वाला था। फिलहाल इसका देखते हैं, मैंने एंट उठाया आई डी, जरूरी नहीं आई डी कुछ ले सकते हो, इंट आई डी की पोस्ट स्कैनर का ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट इंट आप नेक्स्ट लॉन्ग भी ले सकते हो। अगला क्या डालना है मुझे, एम्प्लॉय का नाम, तो स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू एससी डॉट नेक्स्ट, ठीक है। अगला क्या डालना है, सैलरी, तो फ्लोट सैलरी, सैलरी इक्वल्स टू एससी डॉट नेक्स्ट फ्लोट, नेक्स्ट फ्लोट। अच्छा अगला क्या उठाना है, अगला उठाना डेट, अब हमें डेट उठानी आती नहीं है, अरे हमें क्या पता कीबोर्ड से डेट कैसे आती है, कभी डाली है आपने कीबोर्ड से डेट आज तक, टॉपिक डालो डेट क्लास, फंस गए सर, कीबोर्ड से आकर डेट कैसे डाली है हमने, हमें तो पता ही नहीं डेट किस फॉर्मेट में होती है, टाइप ऑन कर देना बच्चे सुमन, देखो डेट क्लास, देखो इट इज अ प्रीडिफाइंड क्लास दैट एक्सटेंड्स, इट इज अ प्रीडिफाइंड क्लास दैट एक्सटेंड्स, इट इज अ प्रीडिफाइंड क्लास दैट एक्सटेंड्स, it is a predefined class that extends java.util.dateClass, that extends date java.util.dateClass, it is a predefined class that extends java.util.dateClass, देखो it is used to denote database specific dates in the context of JDBC application, in the context of JDBC application, ठीक है। अब एक बात तो है बच्चों, सुनो, स्कैनर क्लास के बाद ऐसा कोई मेथड है जो डेट इंपोर्ट इनपुट ले सकता है, नहीं। अगर आपको इंट टाइप की वैल्यू चाहिए तो नेक्स्ट इंट है, लॉन्ग टाइप की वैल्यू चाहिए नेक्स्ट लॉन्ग है, बूलियन टाइप की चाहिए नेक्स्ट बूलियन है, नेक्स्ट फ्लोट है, नेक्स्ट डबल है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट स्ट्रिंग है, ना तो कैरेक्टर के लिए ना डेट के लिए, और डेट का हो भी नहीं सकता, तो क्यों ना एक काम करें, ध्यान से देखना भाई, क्यों ना एक काम करें, ये मेरा कीबोर्ड है, ध्यान से देखना भाई, कीबोर्ड है, हम इस कीबोर्ड से स्ट्रिंग उठाएं और इस स्ट्रिंग को हम लोग किसी मशीन में पास करते हैं, और वो मशीन क्या काम करे, इस स्ट्रिंग को डेट टाइप के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दे, डेट टाइप के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दे, और फिर हम उस डेट को डेटाबेस में डाल दें,
हम लोग कीबोर्ड से स्ट्रिंग उठाएं, उसको एक मशीन में डालें और वो मशीन स्ट्रिंग को डेट में कन्वर्ट कर दे इसी ऑब्जेक्ट में। ठीक है, कीबोर्ड से स्ट्रिंग उठाई, मशीन में डाला, इस मशीन ने इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर दिया डेट टाइप के ऑब्जेक्ट में। हमने डेट टाइप के ऑब्जेक्ट को डेटाबेस में डाल दिया। कैसे डाला होगा ये देख लेते हैं। हमारे पास एक मेथड है, मेथड का नाम क्या है, सेट डेट, पता है आपको सेट डेट। हमने क्या पास किया होगा, कॉलम का इंडेक्स कॉमा डेट का ऑब्जेक्ट, और इसने उसको डेटाबेस में डाल दिया होगा। हाँ है ना, हमें सिर्फ मशीन का नाम बताना चाहिए, इस मशीन का नाम बताना चाहिए। तो इस मशीन का नाम मैं आपके सामने पेश करता हूँ, इस मशीन का नाम है वैल्यू ऑफ। आप इसके अंदर अपनी स्ट्रिंग डाल दीजिए, आप इसके अंदर अपनी स्ट्रिंग डाल दीजिए और ये मेथड किस स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देगा डेट क्लास के ऑब्जेक्ट में। इस डेट क्लास के ऑब्जेक्ट में अगर वो इस फॉर्मेट में है तभी मैंने वहां ब्रैकेट लगाया। ठीक है, तो अगर आपकी स्ट्रिंग उस फॉर्मेट में है जो मैं आपको बताने वाला हूं, तो वो क्या काम करेगा, स्ट्रिंग को डेट क्लास के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देगा। और वो फॉर्मेट क्या है, वाई 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 हाइफन एम एम हाइफन डी डी। बना दिया तो एक्सेप्शन। अब सर ये जो ये भी बता दो ना, ये वैल्यू ऑफ मेथड है, तो ये जो वैल्यू मेथड है ये किस टाइप का है, स्टैटिक है या नॉन स्टैटिक है। फॉर्चुनेटली ये स्टैटिक मेथड है, फॉर्चुनेटली ये स्टैटिक मेथड है। अगर ये स्टैटिक मेथड ना होता तो हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता। ठीक है, डेट डी इक्वल्स न्यू डेट डी डॉट वैल्यू ऑफ। सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ, वैल्यू ऑफ इज अ स्टैटिक मेथड, वैल्यू ऑफ इज अ स्टैटिक मेथड ऑफ डेट प्लस व्हिच इज यूज्ड टू कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू ऑब्जेक्ट ऑफ डेट इफ द स्ट्रिंग इज इन दिस। तभी मैंने वहां ब्रैकेट लगाया, प्लीज एंटर द डेट ऑफ जॉइनिंग इन दिस फॉर्म। तो भाई लिखवा दो, ये लिख लिया, लिखवा दो। तो ठीक है, लिखो जाए
अच्छा 9 की जगह मैंने डॉला कर लिया, अब सर ये डॉला क्या है? डिटेल्स ऑफ इन कॉन्सेप्ट के क्या बात है, वो तो मैंने बनाया है ना, अरे डिटेल्स ऑफ या गुड भी लो यार। तो आप जरा देखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है हमने लिख दिया यहाँ पे डॉला, ठीक है रिकॉर्ड्स अफेक्टेड, रिकॉर्ड्स रिकॉर्ड रिकॉर्ड्स अफेक्टेड अफेक्टेड, ठीक है तो कुछ कुछ बता देते हैं, उसके बाद कनेक्शन को क्लोज करते हैं। तो क्लोज द कनेक्शन, क्लोज द सेशन, क्लोज द सेशन, सेशन मतलब कनेक्शन, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज, ठीक है 1 2 3 और देखते हैं इस प्रोग्राम का क्या हासिल होता है भैया, ठीक है प्रोग्राम को सेव करो, चला सो राइट क्लिक ओपन कंटेनिंग फोल्डर सीएमडी, नहीं नहीं वरना ये है अगर मैं इसको नए सीएमडी में खोलूंगा मुझे क्लास पास सेट करना पड़ेगा, उसे सीएमडी में करता है वरना मुझे क्लास पास सेट करना पड़ता, तो जावा सी टेस्ट प्रिपेयर स्टेटमेंट, बहुत कुछ की बात है, डेट को तो हमने इम्पोर्ट किया ही नहीं है, ये यूटिल है, अब कहानी क्या हो रही है, बिल्कुल सही है, यूटिल में भी डेट है, यूटिल में भी डेट है, एसक्यूएल में भी डेट है, मैंने आपको बताया था कि अगर दो पैकेज के अंदर सेम नेम की क्लास है तो हमको हम फुली क्वालिफाइड नेम से यूज करते हैं, याद आया, ठीक है वो दिक्कत है, यूटिल और उसमें दोनों में सेम ना, तो डेट में एमयूटी आ रही है, देखो यूटिल डॉट नेम लगाओ, किसकी जरूरत है मुझे, है नहीं यूटिल की, नहीं नहीं है स्कैनर की वजह से, तो एक काम करो ना सिर्फ स्कैनर निकालो, आप सही स्कैनर निकालो या तो स्कैनर निकालो, और अगर आप स्कैनर नहीं निकालना चाहते हो तो फिर फुली क्वालिफाइड नेम जिंदाबाद, फुली क्वालिफाइड नेम कहाँ है ये, तो java.sql.date और यहाँ पे लिखना पड़ेगा फिर java.sql.date, ओके कंपाइलर अब तो गुस्सा नहीं होना, ठीक है नहीं रन करो जावा, जावा प्रिपेयर स्टेटमेंट बड़ा मजा आएगा देखने में, टेस्ट प्रिपेयर स्टेटमेंट, तो देखो बच्चों यहाँ चलते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास एम्प्लॉय टेबल है, इसमें डेटा कोई नहीं है, अभी डेटा वहां से आएगा, देखो एंटर द आई डी 1, एंटर द नेम स्मार्ट हसन, ओके एंटर द सैलरी 467, अरे ये डालो, अरे मैं ले रहा हूं, नहीं हम तो नहीं, अब कहानी समझो क्योंकि वो 5 डिजिट पे थी ना, किसी और का ले लेते हैं, ठीक है ओके चलो आईडी दे दी मैंने 1, नाम ले लिया मैंने, ठीक है सुंदरा, चलो ठीक है सुंदरम, ठीक है इनकी सैलरी कितनी ले रहा हूं 5 डिजिट की भाई, तो जरूर मैंने 5 डेट की देंगे कम दे दो 456 रुपए 78 पैसे, ओके अब सुनो डेट ऑफ ज्वाइन, परसों ज्वाइन किया था उसने, इसी फॉर्मेट में होना चाहिए, तो इसने ज्वाइन किया था सन 2016, ठीक है और अप्रैल, ठीक है और परसों किया था 9 तारीख किया था, 1 रिकॉर्ड अफेक्टेड, और देखते किस फॉर्म में आया होगा, तो आपने जो डेटा डाला वो डाला 2016 4 9, जानते हो वहां पे किस फॉर्म में आएगा 9 अप्रैल 2016, और प्रिसीजन का ध्यान रखो आप, अगर आपने ज्यादा बड़ी वैल्यू दे दी, फॉर एग्जांपल जैसे मैं ही हूं मेरा नहीं आएगा क्योंकि वो एग्जाम ही नहीं है उसके पास आई, तो स्मार्ट है, ठीक है सैलरी जो है इनकी वो ज्यादा है, ठीक है इतनी है, वो लेगा ही नहीं मना कर देगा, फिलहाल वो डेट ऑफ जॉइनिंग उठाएगा, डेट ऑफ जॉइनिंग दे देते हैं, ले भाई डेट ऑफ जॉइनिंग हुई है, उसने कहा भाई है नहीं, वैल्यू लार्जर देन द स्पेसिफाइड पोजीशन, ज्यादा मतलब आप मालिक लोगो आपका नहीं आया यहाँ, चलनी चिली जो आया ना यहाँ पे, ठीक है तो ये हमारे पास है आपका नाम नेम है, व्हाट इज योर नेम, सिंपल क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क फॉर द टाइम बीइंग, सर रन टाइम में क्या हो गया, रन टाइम कुछ ऐसे हुआ होगा, ठीक है सुंदरम, ठीक है नहीं ठीक है कहानी का यहाँ पे रन टाइम पे क्या हुआ होगा, रन टाइम पे ये इसने इसको ओवरराइट मार किया होगा, यानी आईडी यहाँ चला गया होगा, नाम यहाँ चला गया होगा, रन टाइम
मतलब कंपाइन टाइम पे आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, रन टाइम पे इसकी वैल्यू यहाँ से आ रही है, मतलब ये और ये एक चीज है, ये और ये एक चीज है, बढ़िया है ना। वो जो डेट का कहानी थी वो आप लिखो, ठीक है लिखो। देखो वी कैन कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू डेट, 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 स्ट्रिंग इनटू डेट यूजिंग द स्टैटिक मेथड वैल्यू ऑफ, यूजिंग द स्टैटिक मेथड वैल्यू ऑफ, स्टैटिक मेथड वैल्यू ऑफ, वैल्यू ऑफ ऑफ डेट क्लास, ऑफ डेट क्लास, ठीक है। स्ट्रिंग मस्ट बी इन दिस फॉर्मेट YYYYMMDB, बस ये है। अगर ये फॉर्मेट गलत हो गया तो एक्सेप्शन आ जाएगी, फॉर्मेट ये होना चाहिए। डेटा डाल के देखते हैं अभिषेक बाबू, बस ये तरीका दिया गया। मैंने दे दिया आज की डेट, मैंने कहा एक काम करो आज 11 अप्रैल सन 2016 है, गुना कर दिया उसने, दिल्ली का आर्गुमेंट है 11 11 04। अच्छा भैया लड़की आदमी 11 11 04 आगे 2016 और भी 11 11 11 11 सीक्वेंस सीक्वेंस कितने कॉन्फिडेंस का लिखा था गलत। तो कहानी समझो, अभी हम लोगों ने टेबल बनाई, हमने टेबल में डेटा डाला, सबसे पहले क्या डाला इधर देखो, सबसे पहले हमने आईडी डाला, व्हाट पे ध्यान दो, मान लो मेरे पास चार लोग हैं, अभी यहां से स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हमने आईडी डाला, उसके बाद आईडी, उसके बाद नाम, उसके बाद सैलरी, उसके बाद डेट ऑफ जॉइनिंग। फिर से देखते हैं, अगर मान लो मुझे दूसरा डेटा डालना हो तो आईडी, नाम, सैलरी, डेट ऑफ जॉइनिंग, आईडी, नाम, सैलरी, डेट ऑफ जॉइनिंग। मान लो मेरी नई नई कंपनी खुली हुई है, ठीक है, और मैंने अपनी नई कंपनी खोली है, तो उसमें पहला बंदा आया एम्प्लॉई, तो उसकी आईडी क्या होगी टेक्निकली 1, तो इसकी आईडी 1 होगी। अब दूसरी ज्वाइनिंग हुई, इसकी 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, फिर 5 होगी, फिर 6 होगी। तो यार हम बार बार आईडी की वैल्यू खुद क्यों देने हैं, टेक्निकली वो हमारी जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होनी चाहिए, है ना। मान ली मेरे पास एक प्राइमरी की है, तो प्राइमरी की जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होनी चाहिए। MySQL में तो ये हो जाती है, MySQL में आप लिखते हो क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, ठीक है, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, आईडी, नंबर या इंटीजर, आईडी, इंटीजर, ऑटो इंक्रीमेंट, तो वो ऑटो इंक्रीमेंट हो जाती है। तो जितनी बार आप डेटा डालोगे वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो जाएगी। ओरेकल में ये फैसिलिटी नहीं, तो ओरेकल में किसी भी वैल्यू को, किसी भी कॉलम की वैल्यू को ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट करने के लिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का नाम है सीक्वेंस। हम लोग क्या काम करेंगे, एक सीक्वेंस डिफाइन करेंगे और उस सीक्वेंस को अपनी क्वेरी में कॉल कर लेंगे, तो जितनी बार ये सीक्वेंस चलेगा वो हमारी उस आईडी की वैल्यू को ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट करेगा। सो ओरेकल 10G, ओरेकल 10G, ओरेकल 11G या 12G या जो भी है, उनमें सीक्वेंस जरूरी है, MySQL में जरूरी नहीं है, MySQL में जरूरी नहीं है, क्योंकि उसके अंदर ऑटो इंक्रीमेंट फैसिलिटी पहले से होती है। सो द फॉर्चुनेटली MySQL डेटाबेस डज नॉट सपोर्ट सीक्वेंस बिकॉज देयर इज ऑलरेडी अ फैसिलिटी ऑटो इंक्रीमेंट। लेकिन चूंकि अभी हम MySQL पे काम नहीं कर रहे हैं, जब हम MySQL पे काम करेंगे तो हम आपको दिखा देंगे, फिलहाल MySQL पे हम काम नहीं कर रहे। तो ओरेकल में फॉर द टाइम बीइंग हमें ये समझना है सीक्वेंस होता क्या है, कैसे सीक्वेंस डिफाइन किया जाए और कैसे उसको क्वेरी में यूज किया जाए, मजेदार कर सकते, ठीक है। तो चलो टॉपिक कर रहा हूँ सीक्वेंस। देखो सीक्वेंस, सीक्वेंस जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, समझ लो पहले 30 सेकंड। तो सीक्वेंस एक ऑब्जेक्ट है, हम उस ऑब्जेक्ट को, और ध्यान दो, तो सीक्वेंस एक ऑब्जेक्ट है, हम उस ऑब्जेक्ट को हमेशा हमेशा के लिए डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं, और जब जरूरत पड़े आप उसे इन्वोक कर सकते हो जावा के एप्लीकेशन के अंदर,
क्या बात है। जैसे हमारी टेबल बनती है, टेबल कितना सीक्वेंस में बनता है, क्रिएट के टेबल करके। देखो सीक्वेंस इज एन ऑब्जेक्ट, सीक्वेंस इज एन ऑब्जेक्ट विच कैन बी स्टोर्ड, सीक्वेंस इज एन ऑब्जेक्ट विच कैन बी स्टोर्ड, सीक्वेंस इज एन ऑब्जेक्ट विच कैन बी स्टोर्ड, विच कैन बी स्टोर्ड इनसाइड द डेटाबेस, इनसाइड द डेटाबेस, इनसाइड द डेटाबेस एंड कैन बी इनवोक्ड, एंड कैन बी इनवोक्ड फ्रॉम द जावा एप्लीकेशन, फ्रॉम द जावा एप्लीकेशन, फ्रॉम द जावा एप्लीकेशन। द सीक्वेंस इज यूज्ड टू, द सीक्वेंस इज यूज्ड टू, द सीक्वेंस इज यूज्ड टू प्रोवाइड ऑटो इंक्रीमेंट फैसिलिटी, द सीक्वेंस इज यूज्ड टू प्रोवाइड ऑटो इंक्रीमेंट फैसिलिटी, ऑटो इंक्रीमेंट फैसिलिटी फॉर अ पर्टिकुलर कॉलम, फॉर अ पर्टिकुलर कॉलम, पर्टिकुलर कॉलम। नेक्स्ट लाइन से लिखना, माई एसक्यूएल डज नॉट सपोर्ट सीक्वेंस, माई एसक्यूएल डज नॉट सपोर्ट सीक्वेंस, MySQL does not support sequence because MySQL does not support sequence. इसका मतलब MySQL में sequence नहीं होते। So MySQL does not support sequence because when we create a table, because when we create a table in SQL, MySQL. So when we create a table in MySQL, we can specify auto increment facility directly. We can specify auto increment facility directly. अब देखो यार, auto increment facility directly. अब देखो कहाँ समझो, मेरा जो कोड है ना, इधर देखो मेरा जो कोड है, as it is same रहेगा, as it is same रहेगा, पर आप टेंशन मत लो, मैं आपको प्रोग्राम भेज चुका हूँ, ठीक है, मैं आपको उस प्रोग्राम का वर्जन नंबर 2 भेजूंगा। अभी हमारी क्लास का नाम क्या है, अभी हमारी क्लास का नाम है टेस्ट प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। अब हम आपको सामने बनाएंगे टेस्ट प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट वर्जन नंबर 2। तो VR 2 जो होगा इसमें सीक्वेंस होगा, एज इट इज प्रोग्राम होगा, एज इट इज। सर कहीं तो फर्क होगा, डेटाबेस में फर्क होगा, जावा की एप्लीकेशन में नहीं। सर सोच लो जावा की एप्लीकेशन में एक चेंज नहीं करने दूंगा, नहीं नहीं मतलब एक लाइन दो लाइन, अच्छा ठीक है, कुछ तो हटाऊंगा, सेटिंग तो हटाऊंगा, कुछ तो करूंगा ना, कुछ तो करना पड़ेगा। तो चलो हाउ टू डिफाइन अ सीक्वेंस, ये देखो, हां हां लिखना नहीं, समझना। तो देखो भाई सीक्वेंस कैसे बनाते हैं, देखो भाई देखो, तो ये जो मेरे पास ऑरेकल का पेज है, इधर देखो बच्चे, ऑरेकल का जो पेज है इसमें यहाँ पे लेके आ रहा है क्रिएट, सी फॉर क्रिएट। कुछ लोग ऐसे गलत तरीके से बोलते हैं क्रिएट, तो आप क्रिएट पे क्लिक करो, यहाँ पे लेके आ रहा होगा सीक्वेंस। देखो टेबल है, व्यू है, इंडेक्स है, सीक्वेंस है, आप सीक्वेंस पे क्लिक करो, यहाँ पे आ गया सीक्वेंस, ठीक है। तो सीक्वेंस की जो माँ है, इसकी माँ जो है वो सिस्टम है, ठीक है, हर एक की माँ सीक्वेंस है। अब आपको यहाँ पे सीक्वेंस का नाम देना है, कुछ बढ़िया से नाम दे दो आप सीक्वेंस का बढ़िया से नाम क्या है इस टाइम, तो भाई आईपीएल चल रहा है, ठीक है, ये भी चल रहा है, नज़ला दे देते हैं भाई। तो बिना जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस का नाम नज़ला है, इस नज़ले को बुलाते हैं भाई। अच्छा सीक्वेंस की जो पहली वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करोगे, 1 से। जरा आप देखो ध्यान से, आपकी जो टेबल थी उस टेबल के अंदर जो डेटा पड़ा हुआ था उसमें आप लोगों ने कितनी एंट्री डाली है, एक काम करते ना, उधर देखो, एक काम करो, सबसे पहले अभी इसे मत करो, अभी आप एक काम करो, इसको होम पे करो, हाँ कैंसिल करो, पहले अपनी टेबल में देखते जाके हिसाब किताब। तो मेरी टेबल का नाम क्या था, ईएमपीएल था, ईएमपीएल का ना डेटा देखता, तो डेटा ये पड़ा हुआ एक है, तो क्यों ना हमने सीक्वेंस को 2 से स्टार्ट किया जाए, एक को वहाँ आई है, ठीक है, तो हमने क्रिएट किया, क्रिएट सीक्वेंस, सीक्वेंस का नाम नज़ला, तो एन ए जेड एल ए। अब आप सोचोगे मैंने कैपिटल में क्यों दिया, ऐसी मस्ती, ओके हाँ जो भी है प्रिजर्व के साथ कर सकते हो। हमें अपने इसको स्टार्ट करना है 2 से, ठीक है, इसकी मिनिमम वैल्यू 2 रखेंगे, मैक्सिमम वैल्यू कर देंगे 10, ठीक है, इंक्रीमेंट बाय 1, यानी पहली वैल्यू 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, वरना आप ऐसे भी कर सकते हो इंक्रीमेंट बाय 5, तो पहले 2, फिर 7, फिर 12, ठीक है, और ये नेक्स्ट करो, ठीक है, नेक्स्ट में कुछ नहीं करना, आपको क्रिएट करना बस। तो आपके पास एक सीक्वेंस बन गया, सीक्वेंस का नाम है नज़ला, और ये स्टार्ट होगा 2 से और 10 तक जाएगा, इसकी मिनिमम वैल्यू 2 है, मैक्सिमम वैल्यू 10 है, लास्ट नंबर 2 है, साइकिल फ्लैग मतलब उल्टा ऐसे घूमने का, ठीक
ठीक है तो ये है तो 1 से लेकर 10 तक अगर आप सीक्वेंस को 1 से लेकर 2 से स्टार्ट करोगे तो ये आपको 2 देगा फिर ऑटोमेटिकली 3 देगा फिर 4 5 6 7 8 9 10 बस अगर एक बार और इनको कर दिया तो फिर तो उसकी लिमिट से आगे निकल जाएगा खैर कोई बात नहीं अब मुझे इसे कॉल करना है तो देखो कितना आसान है कॉल करना आपको हंसी आ जाएगी आपको कैसा ये कुछ भी नहीं है ये देखो कंट्रोल ए कंट्रोल सी और टैब 10 कंट्रोल टी और इसका क्या नाम रखेंगे वर्जन 2 है ना VER क्या बात ठीक है अब देखो कहानी समझो बच्चों पहली वाली वैल्यू जो है ये वाली वैल्यू ये तो दी जाएगी सीक्वेंस से ठीक है इसका मतलब मुझे इस वैल्यू को देने की तो जरूरत ही नहीं है कि नहीं इस वैल्यू को देने की तो जरूरत ही नहीं है तो ये वैल्यू जो है ये ऑटोमेटिकली सीक्वेंस से आएगी इसकी वैल्यू हम देंगे इसकी वैल्यू हम देंगे इसकी वैल्यू हम देंगे इसकी वैल्यू देंगे सेट स्ट्रिंग से इसकी वैल्यू सेट फ्लोट या सेट डबल से इसकी वैल्यू सेट डेट से तो इसका मतलब मुझे यहां पे सीक्वेंस कॉल करना है यही हो ना मुझे सीक्वेंस कॉल करना है तो क्वेश्चन मार्क हटाओ और सीक्वेंस को कॉल कर दो सर कैसे कॉल करेंगे सीक्वेंस को आपको हंसी आ जाएगी सीक्वेंस का नाम लिखो डॉट लगाओ और लिख दो यहां पे नेक्स्ट वैल बस तो सीक्वेंस का नाम डॉट नेक्स्ट वैल सिंपल वैल इसका मतलब नजला डॉट नेक्स्ट वैल वैल बोल दो लेकिन अब आपके सामने एक लोचा आएगा यहां देखो लोचा क्या आएगा आप लोगों ने क्या काम कर रखा है देखो बच्चों यानी ये वाली कहानी हट जाएगी सुंदर से हटाओ जरा ये वाली कहानी हटाओ इनवैलिड कॉलम इंडेक्स हेडलाइन नंबर 22 कहां से आ रही है आप चेक करके देखते हैं 22
22 लाइन नंबर 4 यहां से, अरे चौथे नंबर की तो है ही नहीं, टेक्निकली ये 2 है, वो 2 इसको मान रहा है, समझे भाई, वो 2 इसको मान रहा है और 3 इसको मान रहा है, 4 है तो और काम करें, तो हमने यहां दे दिया कॉलम नंबर क्वेश्चन मार्क नंबर 1 क्वेश्चन मार्क नंबर 2 क्वेश्चन मार्क नंबर 3 ओके 1 2 हम प्रोग्राम कंपाइल करते हैं, कंपाइल कर ठीक है रन करो ओके एंटर द नेम मैं बहुत मैं किसी का नाइन साफ नहीं करने देता 350 रुपए और 1 पैसा 345 ओके इधर आ जाओ भाई इसने ज्वाइन किया था मार्च में ओके वन रिकॉर्ड अफेक्टेड चेक इट आउट तो हमें टेबल को ढूंढना है टेबल और टेबल का नाम है EMPL ये है टेबल का डेटा समझे बेटा सही है दो आ गया उसी तरह से अगर मैं इसको ऐसे देखूं तो अब ऐसे होता रहेगा ठीक है अगला डेटा भी आ जाएगा अगला डेटा भी आ जाएगा तो एक बार और देख लेते हैं संजीव जो है ब्रह्मांडिया संजीव 5x9 ठीक है तो देखो 5x9 का मतलब क्या होता है 1 2 3 4 5 6 इसको भी तो नो ही कहते हैं आ जाओ भाई इसको आ जाओ इसने भी जब ज्वाइन किया था ये 3 नंबर वाला भाई ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो रहा है टेबल है ठीक है अब जावा की एप्लीकेशन इसका डेटा डालने के लिए इसको इन्वोक करेगी ये चलेगा ये इसको एक वैल्यू दे देगा ये उस वैल्यू को इसे दे देगी दोबारा चला ये चला इसने एक वैल्यू जनरेट की इसको दी किस में तो ये ऑब्जेक्ट है जिसको हमने डेटाबेस में स्टोर कर रखा है और ये ऑब्जेक्ट किस एप्लीकेशन के द्वारा इन्वोक हो रहा है कि नहीं हम मान लीजिए आपने डेटाबेस से हटा लिया और हाँ सुनो आपकी जो सीक्वेंस की मिनिमम वैल्यू थी वो थी 2 और मैक्सिमम थी 10 अगर आप 10 से ऊपर जाओगे ना तो बैंड बन जाएगा एक्सेप्शन दे देगा कोई 10 के ऊपर तो जनरेट कर नहीं सकता और सबसे अच्छी बात क्या होती है एक सीक्वेंस को क्यों भाई आप एक सीक्वेंस को अलग अलग जावा एप्लीकेशन में यूज कर सकते हो अलग अलग टेबल के लिए बस एक बात का ध्यान रखना उनकी मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू का ख्याल रखना है ना नहीं मेरे टेबल में एक पहले से था तो अगर मैं एक दोबारा डालता हूँ तो कैसे जाती ना एक पे राज एक पे राज तो एक पे कमल एक पे किशोर है ना एक पे राज दो पे कमल तीन पे किशोर मतलब आईडी की वैल्यू तो यूनिक होनी चाहिए ना रोल नंबर एक पे ए रोल नंबर दो पे बी रोल नंबर तीन पे सी अब रोल नंबर एक पे ए रोल नंबर एक पे बी रोल नंबर एक पे सी तो रोल नंबर एक पे कौन आप मान के चलो सबसे पहले आप टेबल बनाओ टेबल बनाने के बाद सीक्वेंस बनाओ इसको ऐसे दो आप टेबल बनाओ आप सीक्वेंस बनाओ फिर उसको एप्लीकेशन यूज करो हाँ टेक्निकली यही होना चाहिए सीक्वेंस को बहुत ध्यान से बनाना चाहिए सीक्वेंस को बहुत ध्यान से बनाना चाहिए